हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स आ गए, राधे राधे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आज हम पढ़ रहे थे आपका शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि शेयर स्ट्रेंथ से एक क्वेश्चन तो फिक्स है जो आपके एग्जामिनेशन में आना है। हर किसी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है शेयर स्ट्रेंथ से, ठीक है। और मेंस की बात करें तो मेंस में भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो कल हम थे आपके सारे के सारे ग्राफ्स के ऊपर, जितने भी ग्राफ्स थे उनके ऊपर थे हम, ठीक है। तो ग्राफ्स के बाद में आज स्टार्ट करने वाले हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, विच इज नोन एज टेस्ट टू डिटरमाइनिंग द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉइल मास। वॉइस आ तो रही है। डन। अब आ गई वॉइस, चेक करिए, आ गई वॉइस। अब चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन, आ जाएगा तो स्टार्ट करते हैं अपन टेस्ट टू डिटरमाइनिंग शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ये टेस्ट जो है, हर एक टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर एक टेस्ट से क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, हर एक टेस्ट से। अरे वॉइस अब क्यों नहीं आ रही भाई, अब तो आ रही है। सुदीप आपको दिक्कत होगी, आप में देखिए एक बार, ऑल ओके है। चलिए टेस्ट लिखिएगा, कौन कौन से टेस्ट आपने पढ़े हैं अपने कॉलेज टाइम में, कोई पढ़े हैं टेस्ट कि नहीं पढ़े एक भी टेस्ट। सबसे पहला डायरेक्ट शेयर टेस्ट, द फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट शेयर टेस्ट। सही है, आ रही है ना वॉइस? हाँ ठीक है, एक बार चेक करना बेटा देवकरण, यह कौन थे, सुदीप। डायरेक्ट शेयर टेस्ट स्लैश इसको बोलते हैं शेयर बॉक्स टेस्ट। ये बड़ा ही कॉमन टेस्ट है, ये आपके जब यूनिवर्सिटी के पेपर होंगे तो उसमें भी पूछा गया होगा, शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट जो होता है, डायरेक्ट शेयर टेस्ट या शेयर बॉक्स टेस्ट। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट ट्राई एक्सियल टेस्ट, ठीक है। दो स्टेज वाला जो टेस्ट था ट्राई एक्सियल टेस्ट, इसके ऊपर हर तरफ से क्या लगता था, पानी का प्रेशर लगता था। तो ट्राई एक्सियल टेस्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आपने अगर बात करें कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, नेक्स्ट लिखिएगा अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, और द लास्ट वन इज वेन शियर टेस्ट। नोट करिए, सारे टेस्ट नोट करिए, डायरेक्ट शियर, शियर बॉक्स। डायरेक्ट शेयर टेस्ट, शेयर बॉक्स टेस्ट, ट्राई एक्सियल टेस्ट, और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट एंड वेन शेयर टेस्ट। ये चार टेस्ट है, इन चारों टेस्ट को आपको डिटेल में देखना है। तो आने वाले जो 3 घंटे हैं हम इसी के अंदर इन्हीं को डिस्कस करेंगे बिल्कुल सही से। तो नोट करके डन करिएगा। सबसे पहला, चलो हो गया डन, वेरी गुड। तो सबसे पहला टेस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पे, द फर्स्ट टेस्ट इज डायरेक्ट
टेस्ट, जिसे बोलते हैं शेयर बॉक्स टेस्ट भी। डायरेक्ट शेयर टेस्ट सबसे पहला, तो ये डायरेक्ट शेयर टेस्ट, हाँ वन सेकेंड बैक, नहीं हुआ, लो हो गया। हो गया, देखिए ये टेस्ट क्या करता है। तो ऊपर क्या लिखा है, टेस्ट टू डिटरमाइनिंग शेयर स्ट्रेंथ। तो ये शेयर स्ट्रेंथ को पता करता है, क्या करता है सर, ये शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल मास को पता करता है। क्लियर हुआ। चलिए अब आते हैं अपन फर्स्ट टेस्ट पे। फर्स्ट टेस्ट की बात करें तो पहला टेस्ट है आपका डायरेक्ट शेयर टेस्ट। कौन सा है, डायरेक्ट शेयर टेस्ट। और इस डायरेक्ट शेयर टेस्ट के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहला कि किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए होता है बताइएगा। डायरेक्ट शेयर टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइनिंग द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ विच टाइप ऑफ सॉइल, विच टाइप ऑफ सॉइल, कोर्स और फाइन। अरे दो ही सॉइल है, या तो कोर्स होगा या फाइन होगा, तो किसके लिए होता है बताइएगा। कोर्स के लिए होता है बेटा, कोर्स के लिए, ठीक है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है, याद रखिएगा। आते हैं अपन इसके एक एक पॉइंट के ऊपर। तो ब्रैकेट में लिख दे या यहां पे लिख देते, दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन में सैंड आ जाएगी आपकी, ठीक है, कोर्स ग्रेन सॉइल सैंड आ जाएगी। चलिए ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट लिखेगा डायरेक्ट शेयर टेस्ट में, इसमें होता क्या है कि एक मेटल का बॉक्स होता है, उस मेटल के बॉक्स के अंदर आपका सॉइल सैंपल को हम कन्फाइन कर देते हैं, सॉइल सैंपल को कन्फाइन कर देते हैं। कन्फाइन करने के बाद में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लगता है, शेयर फोर्स लगता है, शेयर फोर्स लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, वो शेयर में फेल हो जाएगी। अब इसमें जो प्लेन होता है, फेलियर प्लेन, वो प्री डिटरमाइंड होता है। क्या होता है, प्री डिटरमाइंड, पहले से ही पता होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पूरे अगर बात करें डायरेक्ट शेयर टेस्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो पूछने में कुछ भी पूछ सकता है, पर अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि किसमें प्लेन प्री डिटरमाइंड होता है, डायरेक्ट शेयर टेस्ट में, मतलब पहले से ही पता होता है कि सॉइल कहां से फेल करेगी, चाहे वो सेक्शन वीकर सेक्शन हो चाहे नहीं हो, वो सॉइल वहीं से ही फेल करेगी। क्लियर हुआ बात सभी को, क्लियर हुआ बात सभी को, बताइए। तो नेक्स्ट लिखिएगा इसके अंदर, द सॉइल स्पेसिमेन, The soil specimen is confined in a metal box. इसको metal box के अंदर रखा जाता है, एक डब्बा होता है, एक box होता है, उस box में soil को fill कर देते हैं, ठीक है, metal box of square cross section of, किस तरह का होता है, square क्रॉस सेक्शन, दैट इज स्प्लिट इंटू, दैट इट्स स्प्लिट इंटू टू हाफ्स, स्प्लिट इंटू टू हाफ्स, HAL हाफ्स, मतलब दो भागों में बट जाता है। क्या बोला है कि एक सॉइल स्पेसिमेन को एक मेटल बॉक्स के अंदर रखा जाता है,
वो मेटल बॉक्स कैसा होगा, वो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का, उसका क्रॉस सेक्शन कैसा देखोगे तो स्क्वायर देखोगे, उसके अंदर अपन फिल करते हैं और जब उस पर फोर्स लगता है तो वो क्या हो जाता है, एक फिक्स रहता है और एक फ्री रहता है, तो वो क्या करता है, मूव करेगा। जब वो मूव करेगा तो क्या होगा, वो दो भागों में बढ़ जाता है, एक आगे चला जाएगा एक वहीं रह जाएगा, तो टू हाफ्स के अंदर रहेगा। कैसे, टू हाफ्स के अंदर रहेगा। आगे बात क्लियर आपको, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, देयर इज नो कंट्रोल ओवर द ड्रेनेज, देयर इज नो कंट्रोल ओवर द ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब क्या है, अगर सॉइल कैसी है सर, पार्शियली सैचुरेटेड या सैचुरेटेड सॉइल है, तो जब उसके ऊपर हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, जब हम शेयर फोर्स लगाएंगे जिसके कारण वो सॉइल फेल करेगी, तो उस टाइम उसमें से वाटर क्या करेगा, सीप आउट करेगा। तो वाटर जब सीप आउट करेगा तो वाटर के सीप आउट करने को हम मेजर नहीं कर सकते, वाटर जो सीप आउट करेगा उसको हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि देर इज अ नो कंट्रोल ओवर द ड्रेनेज, ड्रेनेज पे कोई कंट्रोल नहीं है। इस बात से क्लियर हो सभी, गुड मॉर्निंग। देर इज अ नो कंट्रोल ओवर द ड्रेनेज, तो क्या सर सभी टेस्ट के अंदर होता है, नहीं, केवल इस टेस्ट में होता है, ड्रेनेज पे कंट्रोल नहीं। क्लियर हुआ, सेकंड पॉइंट को रीड करिए, द सॉइल स्पेसिमेन इज कन्फाइंड, CON, ये लो CON, कन्फाइंड इन अ मेटल बॉक्स ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, इट दैट इट्स स्प्लिट इनटू टू हाफ्स। स्प्लिट का मतलब होता है बिखर जाना, दो भाग के अंदर बढ़ जाएगा वो आपका। देयर इज नो कंट्रोल ओवर द ड्रेनेज कंडीशन, और दूसरा नो मैकेनिज्म टू मेजर पोर वाटर प्रेशर, जो पोर वाटर प्रेशर जो लगा रहा है सॉइल मास को कितना होगा, ये इस टेस्ट के द्वारा हम पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो लिखिएगा साथ में अंदर, नो मैकेनिज्म टू मेजर पोर प्रेशर, पोर प्रेशर को मेजर करने का कोई भी मैकेनिज्म या कोई भी तरीका नहीं होता है डायरेक्ट शियर टेस्ट में। आ गई बात समझ में, देयर इज अ नो मैकेनिज्म टू मेजर पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर को मेजर करने का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, याद रखिएगा। तो इसीलिए ये क्या होगा, तो अगर पोर वाटर प्रेशर को मेजर करने का मैकेनिज्म नहीं, तो इसलिए ये किसके लिए होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है। तो ये रीजन है कि किसके लिए होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है। आ गई बात समझ में, तो इसलिए किस में किया जाएगा, ये सर ड्रेन्ड कंडीशन में किया जाएगा। ड्रेन्ड कंडीशन का मतलब इसमें पानी निकलना अलाउड हो, जिससे पानी निकलना अलाउड हो, तो अलाउड होता ही है इसमें, तो इसको नोट करिएगा, फिर अपन आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ, क्या बोल रहे हैं, चंद्रकांत, सॉइल स्प्री डिटरमाइन नहीं, ऐसा कहां लिख दिया, ऐसा कहां लिख दिया आफ्ताब, ऐसा तो लिखा ही नहीं अपन ने अभी। फर्स्ट स्लाइड में चंद्रकांत अपन ये लिखा था कि चार टेस्ट होता है, डायरेक्ट शियर टेस्ट, दूसरा ट्राइएक्सियल टेस्ट, तीसरा आपका होता है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, और चौथा होता है आपका वेन शियर टेस्ट। चलिए, अब क्या बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे चीजें पता चल रही है कि मेटल बॉक्स होगा, मेटल बॉक्स में सॉइल कन्फाइन करेंगे, और हाँ बोले थे वो अभी आगे आएगा, वो चीजें भी आगे आएगी। ठीक है, तो मेटल बॉक्स है, मेटल बॉक्स में अपन उसको कन्फाइन करेंगे, कन्फाइन करके उसके ऊपर शेयर फोर्स लगाएंगे, तो वो क्या होगा, दो भागों में बढ़ जाएगा। तो लिखा है दैट इट स्प्लिट इनटू टू हाफ, सो बॉक्स दो भागों में बढ़ जाएगा। देयर इज अ नो कंट्रोल ओवर दी ड्रेनेज कंडीशन, जब पानी निकलेगा, जब वाटर ड्रेन आउट करेगा, उसके कंडीशन पे कोई कंट्रोल नहीं है, जब पानी निकलेगा उस कंडीशन पे कोई कंट्रोल नहीं है। नो मैकेनिज्म टू मेजर पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, जो फ्लूइड, जो वाटर आपका सॉइल मास के अंदर फिल है, वो एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा, वो क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा, किस पे करेगा, सॉइल मॉलिक्यूल के ऊपर। जो सॉइल मॉलिक्यूल प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो वो प्रेशर कितना लगा रहा है, ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो देयर इज नो कंट्रोल ओवर द ड्रेनेज कंडीशन एंड नो मैकेनिज्म टू मेजर पोर वाटर प्रेशर, कोई मैकेनिज्म नहीं रहता। गौतम जल्दी आया करो, लो चंद्रकांत लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, फास्ट लिख के लो,
1, 2, 3. अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। तो सर अगर ड्रेनेज कंडीशन पे कंट्रोल नहीं है तो हमेशा कैसा होगा सर, ये ड्रेन टेस्ट ही होगा। कैसा होगा? ड्रेन टेस्ट होगा। जो क्या बोल रहे विक्की, ग्राफ से किस टाइप का क्वेश्चन आता है सर? अच्छा आरसीसी क्लास ऑफ थी क्या आज? अच्छा अच्छा, क्या बोल रहे, ग्राफ से किस टाइप का क्वेश्चन आता है? ग्राफ से क्वेश्चन जो आता है आपका, वो जो अपन ने कल ग्राफ देखे थे उसमें से कोई भी बता तो दिया, या तो स्टेटमेंट आ जाएगा, या शियर स्ट्रेस का शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला आ जाएगा, या शियर स्ट्रेन के ऊपर न्यूमेरिकल आ जाएगा, या फिर ग्राफ ही आ जाएगा कि इन चारों में से कौन सा ग्राफ होगा। ठीक है, वो कल मैंने डिस्कस किया था आपसे। तो नेक्स्ट लिखिएगा, इट इज प्रिफर्ड फॉर ड्रेन्ड कंडीशन। इट इज प्रिफर्ड फॉर ड्रेन्ड कंडीशन। ड्रेन्ड कंडीशन में किया जाता है ये ड्रेन कंडीशन, क्योंकि सर ड्रेनेज पे कंट्रोल नहीं है। ड्रेनेज पे कंट्रोल नहीं है तो अनड्रेन्ड तो ही नहीं सकता। अनड्रेन्ड का, ड्रेन का मतलब था पानी का निकलना, अनड्रेन्ड का तो पानी का नहीं निकलना। तो ड्रेन कंडीशन, क्योंकि पानी का निकलना इसमें ताला हुआ है, ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है जो उस पानी को मेजर कर सके, पानी को रोक सके, इसलिए हमेशा कैस में होगा ये ड्रेन कंडीशन में होगा। क्लियर हुआ? तो विकी ऐसा नहीं है कि ड्रेनेज होगा ऐसे टेस्ट कहाँ किया जाता है, जो ड्रेनेज होगा ऐसा टेस्ट कहाँ किया जाता है? अरे ड्रेनेज नहीं बेटा, ये सैंड के लिए किया जाता है, ये ट्राइएक्सियल टेस्ट नहीं है। अभी तो वही चल रहा है बेटा, वही चल रहा है, ट्राइएक्सियल टेस्ट नहीं है तो वही चल रहा है। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट इसका। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वो पॉइंट क्या है कि शियर रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल इज रिकॉर्डेड बाय प्रोविंग रिंग PROVING प्रोविंग रिंग डायल गेज एट फेलियर। डायल गेज में जो प्रोविंग रिंग रखी होती है, उस प्रोविंग रिंग से हम क्या करते हैं, शियर रेजिस्टेंस, ये कितना शियर को, जब वो फेल होगा तो रेजिस्ट करेगा, तो कितना शियर को रेजिस्ट कर रहा है, मतलब क्या उसकी शियर स्ट्रेंथ होगी, ये कौन मेजर करेगा? प्रोविंग रिंग डायल गेज। तो प्रोविंग रिंग अगर आता है तो प्रोविंग रिंग पर टिक लगाएगा, प्रोविंग रिंग पर वो दिखता है, डायल गेज पर लगी होती प्रोविंग रिंग, उस प्रोविंग रिंग पे आपको दिखता है कि शियर रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे। तो यहां से पूरा क्लियर हुआ सभी को? यहां तक सभी को क्लियर हुआ बताओ कि नहीं हुआ? ठीक है, बताइए एक बार फिर से ओवरव्यू दें, लेट आए हो बेटा तो ओवरव्यू देना ही पड़ेगा। चलो डायरेक्ट शियर टेस्ट की अगर बात करें तो किसके लिए होता है? कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए किया जाता है। रीजन अभी नीचे आ जाएगा क्यों किया जाता है। द सॉइल स्पेसिमेन इज कन्फाइंड इन अ मेटल बॉक्स। मेटल बॉक्स के अंदर सॉइल स्पेसिमेन को रख दिया जाता है, जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होगा। कैसा होगा? स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। दैट इज स्प्लिट इनटू टू हाफ्स, जो क्या होता है आपके दो हाफ्स के अंदर, दो भागों में बढ़ जाएगा जब लोड लगेगा तब। ठीक है, देयर इज नो कंट्रोल ओवर द ड्रेनेज कंडीशन। ड्रेनेज कंडीशन पे कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब पानी जब उसमें से निकलेगा, उस सॉइल मास से पानी निकलने लगेगा, तो उसको मेजर करने का कोई साधन नहीं है हमारे पास। किसके अंदर? इस डायरेक्ट शियर टेस्ट के अंदर।
फिर नो मैकेनिज्म टू मेजर पोर प्रेशर, तो पोर प्रेशर के मेजर करने के लिए भी कोई मैकेनिज्म नहीं है। पोर प्रेशर का मतलब समझ में आ गया, जो फ्लूइड उसके अंदर है, सॉइल कैसी है, पार्शियल या सैचुरेटेड कंडीशन में है तो उसमें पानी होगा, पानी क्या करेगा, एक प्रेशर लगाया, तो प्रेशर जो मेजर करने के लिए भी इसके अंदर कोई सुविधा नहीं है। किस टेस्ट के अंदर? डायरेक्ट शीयर टेस्ट में। तो यहां से समझ में आ गया कि कंट्रोल नहीं है ड्रेनेज के ऊपर, तो कोर्स ग्रेन सॉइल हो गया, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होगा, ठीक है। और प्रीफर्ड फॉर ड्रेन कंडीशन, ड्रेन कंडीशन के लिए करेंगे क्योंकि निकल जाएगा। हाँ सर, फिगर से समझाइएगा। बिल्कुल, हाँ फिगर का ही जुगाड़ कर रहे हैं, रुको। रुको, फिगर ही ला रहे हैं अभी, रुको नेट से। ये लो, विजिबल है, क्लियर कर दो थोड़ा, नहीं शक्ल जब आती तो थोड़ा काला है वो फिल्टर। हो गया विजिबल है। अब देखो यहां पे क्या चीज है, यहां पे क्या होता है के दो आपके पार्ट्स होते हैं। तो यहां पे लिख रखा है देखो, लोअर परफोरेटेड प्लेट और टॉप परफोरेटेड प्लेट, एक लोअर प्लेट और एक टॉप प्लेट, दो प्लेट होती है। इसके ऊपर यहां से क्या करते हैं, हम एक फोर्स लगाते हैं, रिएक्शन फ्रॉम लोडिंग रिंग, ठीक है। ये बॉक्स है, स्प्लिट बॉक्स, ये दो पार्ट में बटा हुआ है। ये जो अपन बोल रहे थे ना स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होगा, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होगा, वो कौन सा होगा अभी बताता हूं आपको। देखो ये वाला है, ये जो है ये दो भाग में बढ़ जाता है, इट स्प्लिट्स इनटू टू हाफ्स, एक एरा और सेकंड एरा। जब यहां से फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा, मूव कर जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये था आपका पूरा अरेंजमेंट, इसमें डायल गेज नहीं दिख रहा, सेकंड में डायल गेज और दिख जाएगा, एक बार इसको देख लो। क्लियर हुआ, ये टू हाफ्स है, तो इसमें से समझ में आ गया कि टू हाफ्स कैसे होते हैं, ये क्लियर। नेक्स्ट में देखते हैं, कुछ और चीज अपने को नहीं दिखेगी, आओ। ये रहा, इसमें दिख रहा है सभी को। तो यहां से देखो प्रोविंग रिंग, ये रहा प्रोविंग रिंग डायल गेज होता है, प्रोविंग रिंग डायल गेज होता है, और यहां पे देखो इधर से लग रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये परफेक्ट डायग्राम है। ये देखो यहां से लग रहा है आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स, क्या करने के लिए, इसको शेयर में फेल करने के, ताकि अपन शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सके। ये अपर और ये लोअर, ठीक है, ये अपर और ये लोअर, अपर और लोअर, यहां पे लगेगा फोर्स, फोर्स लगेगा तो क्या करेगा, ये मूव करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका प्रोविंग रिंग डायल गेज होता है, ये प्रोविंग रिंग जो डायल गेज है ये क्या कर देगा, आपको मेजर करेगा कितना उसका शेयर रेजिस्टेंस है। क्लियर हुआ, हाँ लो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, एक प्रोविंग रिंग और इस हॉरिजॉन्टल फोर्स, यहाँ से समझ में आ जाएगा। ये यहाँ से जो टू हाफ्स है वो ये समझ में आ गया, देखो ये टू हाफ्स के अंदर बटा हुआ है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा, जब अपन फोर्स लगाएंगे तब ये मूव करेगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स जो करेगा बेटा वो पुश करेगा, रोटेट कैसे करेगा, यहाँ जब फोर्स लगेगा तो पुश करेगा ना, रोटेट कैसे करेगा,
जिस कोऑर्डिनेट डायरेक्शन पुश करेगा, तो यहाँ से अब अपने एक वर्ड लिखेंगे कि इसमें जब फेलियर होता है वो फेलियर कैसा होता है, वो प्री डिटरमाइन होता है, मतलब वो यहीं से फेल करेगा, चाहे वो सॉइल कहीं से भी वीक हो। अगर उसका वीक पोर्शन अगर ये है, सपोज करो या तो ये है वीक पोर्शन या फिर ये है, और वो फेल कहाँ से करें, यहाँ से, क्योंकि यहीं पे क्या होता है आपका ग्रूव होता है, यहाँ पे आपका स्पेस होता है, तो वो यहीं से फेल करेगा। बाकी तो क्या है, इस तरह पूरा रिजिड है, तो यहाँ से वो जुड़ा हुआ होता है तो इसी डायरेक्शन में फेल करेगा। तो ये क्या है, आपका फेलियर प्लेन है, ये फेलियर प्लेन है, जो कि क्या होता है पहले से ही प्री डिटरमाइन होता है। प्री डिटरमाइन का मतलब होता है पहले से पता होना, ये आपका फेलियर प्लेन है जो कि प्री डिटरमाइन होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट तो क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। डन। वाटर का ड्रेनेज हाँ बेटा वहीं से होगा, वाटर का ड्रेनेज ऊपर तो पूरा पैक है ना, ऊपर से तो पैक है, यहीं से वाटर का ड्रेनेज होगा, तो वाटर यहाँ पे आ जाता है, फिर वो इस बॉक्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, चलो अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे अपन लिखते हैं एडवांटेज, कि सर अगर शियर बॉक्स को टेस्ट को कर रहे हैं तो क्या क्या एडवांटेज होंगे। एडवांटेजेस क्या होंगे, तो सर सबसे पहली बात तो ये है कि ये बड़ा सिंपल है, क्विक है, इजी है, दिख ही रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी ड्रेनेज व्रेनेज को कोई मेजर नहीं करना है। डायग्राम बनाया या नहीं, डायग्राम ऐसा करो कि बाद में फोटोकॉपी निकाल के और छोटा वाला है ना, सारे जितने भी डायग्राम हो जो आपको जरूरत लगे कि हाँ ये जरूरी है, तो उसको क्या करना है, एक पेज पे छोटे छोटा डायग्राम को क्रॉप करके फोटो बनाना, उसको निकालना और फाड़ के उसको अपने कॉपी में चिपका देना। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो, वैसे तो कोई जरूरत है नहीं, वैसे तो कोई जरूरत आपको है नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है। चलें आगे नेक्स्ट पे आइएगा। एडवांटेज, तो एडवांटेज सबसे सिंपल यही है कि सर इजी है, सिंपल है, चीप है, कोई भी इसको कर सकता है, क्योंकि ज्यादा दिक्कत इसमें है नहीं, कोई मेजर वेजर करने की जरूरत नहीं है। तो लिखिए, इट इज इजी, इट इज सिंपल कॉमा इजी एंड क्विक, जल्दी परफॉर्म हो सकता है, सिंपल है, कोई भी कर सकता है, सिंपल इजी एंड क्विक है ये। एपरेटस जो होता है इज चीपर होता है, चीपर एज कंपेयर टू अदर। चीपर का मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल सस्ता है, अदर जो भी टेस्ट है उन टेस्ट के अगर रिगार्डिंग इसको अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो उनसे ये क्या होगा आपका, चीप होगा, सस्ता होगा। ठीक है, और नो स्किल लेबर इज रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई स्किल, नो स्किल पर्सन या नो स्किल पर्सन लिख दो, नो स्किल पर्सन इज रिक्वायर्ड, कोई स्किल पर्सन की जरूरत नहीं, कोई भी इसको परफॉर्म कर सकता है। इसलिए कॉलेज के अंदर हम लोग भी करते थे ना। इट इज सिंपल इजी एंड क्विक, अपरेटस इज चीप एज कंपेयर टू अदर, नो स्किल पर्सन इज रिक्वायर्ड। नाउ वीडियो क्वालिटी इज गुड। अच्छा, नोट करो, करा के नहीं किया कॉलेज में किसी ने, क्यों? ये तो होता ही लगभग सभी कॉलेजेस के अंदर। नोट कर लिया, कोई बात नहीं, नहीं किया तो। डिसएडवांटेज इसके इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिया, जल्दी से बताइए।
फर्स्ट है आपका इट इज सिंपल इजी एंड क्विक. अच्छा नहीं करवाया गया, लैब पे ताला रहता है. चलो कोई बात नहीं. अब आते हैं डिसएडवांटेज. ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन है डिसएडवांटेजेस. ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा डिसएडवांटेजेस एक एक करके. सबसे पहला डिसएडवांटेज और सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज तो सर वही था कि इसमें जो फेलियर होता है ये पहले से ही पता होता है, जो कि वीकेस्ट सेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. देखिए कोई फिक्स नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है. तो लिखिएगा पहला कि फेलियर प्लेन इज प्री डिटरमाइंड. फेलियर प्लेन इज प्री डिटरमाइंड. और कैस डायरेक्शन में होगा सर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, क्योंकि डायग्राम देख लिया अपने आप. तो किसमें होगा? हॉरिजॉन्टल होगा, ऐसा ही तो था वो प्री डिटरमाइंड हॉरिजॉन्टल. विच मे नॉट बी द वीकेस्ट प्लेन. नॉट बी द वीकेस्ट प्लेन, तो जरूरी नहीं कि वो वीकेस्ट प्लेन हो. क्लियर हुआ? तो सर जो फेलियर प्लेन आ रहा है तो उसका कोई फिक्स नहीं है कि वही वीकेस्ट प्लेन हो भी सकता है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि हमेशा वो वीकेस्ट ही प्लेन हो. इसलिए तो सबसे पहला फेलियर तो यही हो गया इसका, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो गया कि फेलियर पहले से पता होता है हमारे को. ठीक है, डिसएडवांटेज ही हुआ, फेलियर पहले से पता है. और दूसरा कि वो जो प्लेन है वो वीकेस्ट प्लेन है क्या, ये कौन कह सकता है? वो तो हमेशा वहीं से टूटना है, उसको तो वहीं से टूटना है क्योंकि और कोई जगह ही नहीं है. क्यों? जैसे बात करें ये पेन है, इस पेन में क्या हुआ कि यहां से टूट गया. अपन ने लगा दी इसके ऊपर टेप. सुनना, अपन ने लगा दी इस पर टेप. जैसे अपन ने आप इस फोर्स लगाया तो कहां से टूटेगा बताओ? कहां से टूटेगा? ये आपका पेन था, ये पेन यहां से हो गया, टूट गया. यहां पे लगा दी अपन ने इस पर टेप. अगेन इसके ऊपर लोड लगाया तो कहां से टूटेगा? जहां से टूटा था वहीं से टूटेगा. बिल्कुल, जहां से टूटा था वहीं से ही टूटेगा. तो वही कहानी इसके अंदर है कि जहां पे इसका जो सेक्शन कहां है ब्रेक हो रखा है, जहां पे दो सेक्शन जुड़ रखे वो हमेशा वहीं से टूटेगा. क्यों? ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है कि जो वो प्लेन है वो प्लेन पहले से ही पता है हमारे को, एक टॉप और एक बॉटम वाला पोर्शन है, इस पर जब लोड लेगा तो वो यहीं से टूटेगा, यहीं से टूटेगा, वो और कहीं से टूट नहीं सकता क्योंकि सेक्शन में जो जगह है वो वहीं से है. बाकी जो लोहा है, लोहा थोड़ी टूट जाएगा, सॉइल पहले ही फेल कर जाएगी ना. आइए नेक्स्ट. नेक्स्ट में देखिएगा, ड्रेनेज कंडीशन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. ड्रेनेज कंडीशन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एंड नो मैकेनिज्म टू मेजर, एंड नो मैकेनिज्म टू मेजर पोर वाटर प्रेशर. नो मैकेनिज्म टू मेजर पोर वाटर प्रेशर. इसका मतलब क्या हुआ? हैंस This test is not suitable for. Hence, this test is not suitable for fine grain soil. तो ये fine grain soil के लिए suitable नहीं है. Clear हुआ कि नहीं हुआ? Next. और लास्ट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट दी
फेलियर प्लेन। फेलियर प्लेन पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट दी फेलियर प्लेन। नोट करो और डन करिएगा। नोट करने के बाद डन करो। हाँ, थर्ड पॉइंट समझाएंगे बिल्कुल। नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, बाकी सारे पॉइंट तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अगर किसी भी सॉइल को अगर बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाए, है ना, और यहां से अगर कोई फोर्स लगाया जाए, यहां से फोर्स लगाया जाए, तो रेजिस्टेंस कहां से मिलेगा? सर, वो पूरा बॉक्स से रेजिस्टेंस देगा, पूरा बॉक्स रेजिस्टेंस देगा। तो यहां पे जो स्ट्रेस लगेगा वो हर पॉइंट पे क्या करेगा? सर, वेरी करेगा। वो हर पॉइंट पे क्या करेगा? वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। जितना स्ट्रेस लगा रहे हैं पूरा का पूरा इस पर ट्रांसफर नहीं हो रहा। वो क्या कर रहा है? वो सॉइल की जितनी रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस कौन दे रहा है? उस बॉक्स में कन्फाइन करने के कारण दे रहा है। तो रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा? आपका सही नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। आ गई बात समझ में? बताओ। अरे, किसी चीज को डब्बे में भर के फिर अपन फोर्स लगा रहे हैं तो क्या उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी? सर, बिल्कुल आएगी। क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है कि सर उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है चारों तरफ से, रेजिस्टेंस मिल रहा है। जो स्ट्रेस लगा रहे हैं उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? सर, नॉन यूनिफॉर्म होगा, पूरा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ठीक है, और एक जगह ट्रांसफर नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें क्या अलग अलग स्ट्रेसेस हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है? उसको पकड़ के रख रखा है उस बॉक्स के अंदर। तो फेलियर प्लेन पे क्या होंगे? अलग अलग स्ट्रेस होंगे। चलिए, हो गया नोट? ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। डायरेक्ट शियर टेस्ट जो है, इसके कई सारे ग्राफ्स होते हैं, कई सारे ग्राफ्स होते हैं, उन ग्राफ्स पे आता है क्वेश्चन। ग्राफ्स भी पूछ सकता है, पर ग्राफ्स ज्यादा पूछा जाता है उसके बेसिस पे क्वेश्चन कि ऐसा होगा तो क्या बढ़ेगा, क्या कम होगा? पोर शोर प्रेशर बढ़ेगा, बॉडी जो कम होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कम होगी, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो लिखिएगा नेक्स्ट पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ Representation of result of direct shear test of representation of result of direct shear test। देखिएगा, पहला मतलब जो हमने टेस्ट किया उस टेस्ट के बेसिस पे हमने क्या करें, यहां पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। एक मिनट बैक करें। अरे, जीवन में बैक नहीं होना, आगे बढ़ते चलो। बताया था जो हो गया सो हो गया। चलिए, 1 2 3। तो यहां पे क्या है कि जो हमने टेस्ट किया था उस टेस्ट के बेसिस पे कई सारे रिजल्ट्स निकल के आए। उन रिजल्ट्स को क्या करना है? प्लॉट करना है। जैसे हमने लिक्विड लिमिट टेस्ट किया था कैसा ग्रांड है, तो वहां से नंबर ऑफ ब्लोज और वाटर कंटेंट के बीच में रिलेशनशिप निकल के आया था। इसी तरह से इसको भी टेस्ट परफॉर्म करेंगे और पोर प्रेशर के बीच में आ जाएगा, स्ट्रेंथ के बीच में आएगा, वॉल रेशियो के बीच में आएगा, वॉल्यूम चेंज के बीच में आएगा। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रिलेशनशिप निकल के आएंगे, उन्हीं को हमारे क्या करना है, उस ग्राफ पे प्लॉट कर देना है बस। तो पहला जो ग्राफ हम प्लॉट करने वाले हैं वो है आपका पोर प्रेशर वर्सेस शियर स्ट्रेन। पहला ग्राफ प्लॉट करेंगे पोर प्रेशर और शियर स्ट्रेन में। यहां पे आपका पोर प्रेशर और यहां पे आपका शियर स्ट्रेन। अब देखिए, हम करेंगे क्या, दो कंडीशन में, एक तो डेंस सॉइल मास है और एक लूज सॉइल मास है। एक बार हमने टेस्ट किया
डेंस सॉइल मास पे, और एक हमने टेस्ट किया लूज सॉइल मास पे। तो पोर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, डेंस का समझ गए, जिसको अपन ने क्या कर दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया, वो डेंस हो गया, उसकी डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। एक लूज सॉइल मास जिसको अपन ने कॉम्पैक्ट नहीं किया। तो दो कंडीशन में करेंगे, एक तो डेंस में और एक लूज में, उनका ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहला मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ आपके सामने, तो आप बताइएगा किस सॉइल मास का होगा। ग्राफ तो मैं प्लॉट कर देता हूँ, आप दो ही कंडीशन हो गया, तो डेंस होगा या लूज सैंड होगा, डेंस सैंड होगा या लूज सैंड होगा। ये है, बताओ कौन सा डेंस का होगा, कौन सा लूज का होगा। फर्स्ट होगा लूज सैंड का, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स भाई, दो कंडीशन होगी, एक तो डेंस होगा या फिर लूज होगा। तो पहला जो ग्राफ है वो लूज सैंड का है, और दूसरा ग्राफ जो है वो डेंस सैंड का है, ठीक है। ये डेंस, और ये है लूज सैंड। देखिए अब ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, जैसे ही हमने लूज सैंड को उस शेयर बॉक्स में रखा, फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, पोर प्रेशर बढ़ता चला गया, पोर प्रेशर बढ़ता चला गया, और शेयर स्ट्रेन मतलब डिफॉर्मेशन बढ़ता चला गया, ठीक है, ठीक है, बढ़ ही रहा था। अब डेंस सैंड की बात करते हैं, डेंस सैंड सर पहले ही कॉम्पैक्ट है, अब वो कॉम्पैक्ट ज्यादा नहीं हो सकती है। अरे किसी चीज को मैंने बहुत कॉम्पैक्ट कर दिया, अब उसको और कॉम्पैक्ट करोगे तो वो हो नहीं पाएगी। तो डेंस सैंड का है, जैसे ही शेयर स्ट्रेन बढ़ा तो पोर प्रेशर बढ़ा, पोर प्रेशर बढ़ा, शेयर स्ट्रेन बढ़ता चला गया। पर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सर अब और पोर प्रेशर बढ़ेगा, वो और फोर्स लगाएगा और शेयर स्ट्रेन कोज होगा, बट होगा क्या सर, वो फेलियर हो जाएगा उससे पहले। तो क्या हुआ, सॉइल मास क्या हो गए, फेल हो गए, फेल हो गए तो एकदम से क्या हुआ, पोर प्रेशर डिक्रीज हुआ, पोर प्रेशर एकदम से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है, और सॉइल वापिस क्या हो गई, लूज हो गई, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ पाए, सोच पाए डेंस और लूज को। अगर डेंस और लूज को समझ पाए तो ये आसान है चीज। सेकंड फिर से, जैसे जैसे आपने पोर प्रेशर बढ़ा, आपने लोडिंग बढ़ाया, आपने लोडिंग बढ़ाया, पोर प्रेशर बढ़ता चला गया। अरे कोई सॉइल है, सॉइल के अंदर पार्शियल सैचुरेटेड सॉइल है, आपने फोर्स लगाया तो पोर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, वो प्रेशर लगाता जाएगा तो पोर प्रेशर बढ़ेगा, पोर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, लोडिंग लगा रहे हो, पोर प्रेशर भी बढ़ेगा, शेयर स्ट्रेन भी आएगा, शेयर स्ट्रेन आएगा ना, शेयर स्ट्रेन आएगा, चेंज होगा स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, यही तो होता है स्ट्रेन, तो चेंज होगा। पर एक पॉइंट पे आके क्या हो गया, अब सर वो जो डेंस थी, डेंस अब और डेंस नहीं हो सकती, डेंस अब और डेंस नहीं हो सकती, तो वो क्या कर देगी, तो वो क्या कर देगी, वो एकदम से फिर बिखर जाएगी, बिखरते ही तो वो क्या हो जाएगा, पोर प्रेशर एकदम डिक्रीज, शेयर स्ट्रेन डिक्रीज एकदम से, समझ गए। अरे चेंज क्या हुआ, फैल जब जाता है ना, जब आपका सॉइल फैल गई तो स्ट्रेन क्या हो गया, नीचे आ गया, नेगेटिव हो गया ना, इस एक्सिस से नीचे हो गया, नेगेटिव हो गया एक तरह से, समझ में आया। लूज सैंड कहाँ फेल हो गया, आगे कहीं भी जाके फेल हो सकती है, वो तो उसे कहीं भी जाके फेल हो सकती है, उसका नहीं, वो तो उसका सिंपल सा है। क्या करे, जीरो यू कैसे हुआ सर डेंस सैंड में। भाई जब तक अगर आपने किसी सॉइल के अंदर फोर्स अप्लाई नहीं किया, तब तक पोर प्रेशर क्या है, वो एक तरह से नेग्लिजिबल। जैसे आपने फोर्स अप्लाई करोगे तो पोर प्रेशर बढ़ेगा, पोर प्रेशर और बढ़ेगा, और एक पॉइंट पे आके क्या कर देगा, वो फेलियर कर देगा, पोर प्रेशर और बढ़ेगा, ठीक है। शेयर स्ट्रेन, अरे बेटा सोम पड़ी कि नहीं पड़ी, थोड़ी बहुत स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ होता है, तो चेंज होगा, बिल्कुल होगा, तो चेंज इन लेंथ स्ट्रेन बढ़ रहा है, पर जब सॉइल फेल हो जाएगी तो वापस बिखर जाएगी, लूज हो जाएगी, तो स्ट्रेन बढ़ेगा क्या, नहीं, से स्ट्रेन तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि कब चेंज होता है, जब आप उसको दबाते चले जाओगे तो चेंज होता चला जाएगा, तो एकदम से वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि सॉइल क्या हो गई, लूज हो गई, तो स्ट्रेन नेगेटिव चला गया,
चेंज नेगेटिव चला गया, ठीक है, नीचे आ गया। अब क्लियर हुआ सभी को? अब आइएगा नेक्स्ट, वॉल्यूम चेंज वर्सेस शेयर स्ट्रेंथ। दो तीन ग्राफ देखो, सब अपने आप रिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले ग्राफ में और कुछ नया समझ में आएगा। देखिए सेकंड ग्राफ, सेकंड जो ग्राफ है ये वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज कितना हुआ सॉइल मास में। वॉल्यूम का मतलब समझते हो, वॉल्यूम चेंज वर्सेस शेयर स्ट्रेन। अब इसको रिलेट करके देखना, अब और समझ में आएगा आपको। इसको रिलेट करके देखना, अब और समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, शेयर स्ट्रेन, वही पिछली बार की तरह जहां पे पोर प्रेशर था वहां पे क्या लिख दिया अपन ने, वॉल्यूम चेंज, ठीक है, वॉल्यूम चेंज या वॉल्यूम लिख दो। वॉल्यूम चेंज मतलब डेल वी बाय वी, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम, ये शेयर स्ट्रेन है। अब देखो आप खुद ही सोचो कि लूज सॉइल है तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा? लूज सॉइल है तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कब तक? लगातार कम होता ही रहेगा, लगातार कम होता ही रहेगा, क्योंकि वो तो अभी सर कॉम्पैक्ट नहीं हुई ना, उसको लगातार कम होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, फिर जाके एक बार में फेल हो जाएगा। तो कम होगा, तो ये ग्राफ किसका हो गया, समझ में आ गया? ये जो ग्राफ बनाया ब्लू वाला है किसका ग्राफ हो गया, लूज सैंड का। अब बात करें अपन डेंस सैंड की, तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? वॉल्यूम डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ये बताओ। डिक्रीज होगा। क्या लगातार डिक्रीज होता रहेगा, लगातार डिक्रीज होता रहेगा? नहीं। तो फिर क्या होगा, डिक्रीज के साथ फिर वापस क्या होगा, इंक्रीज भी होगा। डिक्रीज होगा उसके साथ वापस इंक्रीज भी होगा। क्यों होगा, उसका रीजन है कि सर एक बार डिक्रीज होगा और एक पॉइंट आ गया जहाँ पे क्या हो गया, अब वो मैक्सिमम हो चुका, अब वो वापस क्या हो जाएगा, वो अब बिखर जाएगी सॉइल, तो वॉल्यूम क्या हो गया, वापस इंक्रीज हो गया। तो ये देखो डेंस सैंड, आ गई बात समझ में? तो वॉल्यूम क्या हुआ सर, डिक्रीज हुआ। वो पहले ही कॉम्पैक्टेड थी, वही पहले ही डेंस थी, अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, अब वो टूट जाएगा, टूटते ही स्ट्रेन क्या होगा, बढ़ गया। हाँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, हाँ बिल्कुल, चेंज इन वॉल्यूम बाय एक्चुअल वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बिल्कुल। फेलियर पर इन इंक्रीज होगी डेंस, बिल्कुल फेलियर पर इंक्रीज होगी डेंस। कैसे हुआ तो इसको बेटा एक बार रिलेट करो लूज और डेंस से। लूज है तो लगातार कम होती रहेगी, डेंस है तो एक बार कम होगी, फिर अब वो पहले ही डेंस है, अब कॉम्पैक्ट नहीं हो सकती, अब अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो टूट ही जाएगी, वो सैंपल फेल हो जाएगा, तो फेल हो गया, फेल होते आप इसका होगा, फैल जाएगा सॉइल। तो एजम्पशन सोच के देखो दिमाग के अंदर कि फोर्स लगाया, टूटा, टूटा तो फेल हुई, तो वॉल्यूम आगे क्या होगा, वापिस बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया, बताओ? आप कोई डाउट, आपको डाउट है तो बताओ। तो लूज में क्या हुआ, लगातार वॉल्यूम चेंज होता रहेगा और एक और एक बात करें यहां पे आके वो हो गया फेल। तो फेल से पहले की बात कर रहे हैं अपन तो, ठीक है, और उसके अंदर क्या सर, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, और वो तो डेंस थी तो ज्यादा वो वॉल्यूम चेंज नहीं हो पाएगी, पहले ही उसमें तो क्या हो रहा, कॉम्पैक्शन हो रखा था। अब जैसे ही लोड बढ़ाओगे सर, सॉइल क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, सॉइल अगर फेल हो जाएगी तो वॉल्यूम क्या होगा, वापस वापस बढ़ जाएगा। मैक्सिमम डेंस पर शेयर स्ट्रेन जीरो, हाँ हो सकता है। तो फेलियर से पहले की कंडीशन बात कर रहे हैं,
फेलियर से पहले की बात कर रहे हैं बेटा, ये पिछली वाली कंडीशन में भी क्या हुआ था, टूटा था, टूटने से पहले की बात हो रही है कि किस तरह का नेचर होगा, किस तरह का नेचर होगा। चले आगे, नेक्स्ट, शेयर स्ट्रेंथ वर्सेस शेयर स्ट्रेन। सुनो सुनो, यहां पे अगेन अपन ग्राफ बनाने वाले हैं। वर्सेस अब देखिएगा, ठीक है, ये ग्राफ है आपका, यहां पे इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज, ऐसा। तो ये किसका है, डेंस सैंड का, आप तो समझ गए होंगे। तीसरा ग्राफ आ चुका है भाई, ऑब्वियस सी बात है, डेंस सैंड है, पहले से ही कॉम्पैक्शन कर रखा है, डेंस सैंड है, पहले से ही कॉम्पैक्शन कर रखा है, तो इसका मतलब क्या है, शियर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ना, लोड कैरिंग कैपेसिटी शियर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, उसको क्योंकि डेंस है वो, लूज है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बट डेंस की अगर सेम लोडिंग पे देखा शियर स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी। इस पर 50 का लोड लगाया, इस पर 50 का लोड लगाया, ये लूज थी वो डेंस थी, तो इस पर 50 के लोड पर इसकी शियर स्ट्रेंथ होगी, ऑब्वियस सी बात है कम आ गई इस पर, क्योंकि पहले ही कॉम्पैक्टेड थी, पार्टिकल्स क्या है एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है प्रॉपर, तो स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी ज्यादा होगी, तो शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ, बताओ। स्टार्टिंग में जीरो क्यों भाई, लोड लगाना स्टार्ट किया तो हमने बोला कि भाई जीरो से स्टार्ट करते हैं एक बार, कि लोड लगाना स्टार्ट करते तो शियर स्ट्रेंथ आनी स्टार्ट होगी, लोड लगाया नहीं, जैसे लोड लगाया तो शियर स्ट्रेंथ अपन क्या करने लगे, नोट करने लगे। हो गया, चलिए तो फिर आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका, हाँ रेली में जीरो नहीं होता, वो तो आप पढ़ चुके हो ना इसलिए आपको लग रहा है, ठीक है वो आपको पढ़ा चुके हैं इसलिए, बट अगर एक्चुअल में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहीं से ही करेंगे। अब शियर स्ट्रेंथ वर्सेस वॉइड रेशो, अबे आपका कौन सा फोर्थ, शियर स्ट्रेन वर्सेस वॉइड रेशो, शियर स्ट्रेन वर्सेस वॉइड रेशो, बताइएगा लूज और डेंस में, लूज में वॉइड रेशो क्या होगा सर, लगातार डिक्रीज होगा, लूज में वॉइड रेशो क्या होगा सर, कम होगा, लगातार डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर हम बात करें
लूज सैंड, तो बॉय रेशियो क्या हो रहा है सर? लगातार डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। डेंस सैंड में क्या था? डेंस सैंड में क्या सर? वॉइड रेशियो डिक्रीज ही था, पहले से ही अपन ने वॉइड रेशियो डिक्रीज कर दिया कॉम्पैक्ट करके। किससे कंपेयर की बात कर रहे हैं? इसके कंपेयर में हमने पहले ही उसको क्या कर दिया था? कॉम्पैक्ट कर दिया था। वॉइड रेशियो पहले डिक्रीज होगा, बिल्कुल सर, इससे तो कम ही था, इससे तो कम ही था, तो डिक्रीज हुआ। अब आपने लोड क्या बढ़ाया? आपने सर उसके ऊपर लोड और बढ़ाते गए, और बढ़ाते गए तो क्या होगा? और डिक्रीज होगा। पर एक पॉइंट जब आएगा तो क्या होगा? एक पॉइंट आएगा तब क्या होगा सर? सॉइल मास फेल हो जाएगा, सॉइल मास फेल हो जाएगा, और फिर अगेन क्या होगा? वापस बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? डेंस सैंड का है ये, डेंस सैंड का है। यहां क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर यहां पे जीरो है, और वॉइड रेशियो कभी भी जीरो नहीं होता है, तो इसको टच नहीं करेगा। अरे जीरो तो होता ही नहीं ना बेटा, ये E नॉट है, ये E नॉट प्लस डेल E है, और ये E नॉट माइनस डेल E है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बेंचमार्क लिया, सपोज करो कांस्टेंट डेंस में हो सकता है कि नहीं। कांस्टेंट कैसे होगा भाई? लोड बढ़ाते चले जाओगे, वॉइड रेशियो कम होगा, बिल्कुल। अगर बात करते हैं यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, सपोज करा इस डेंस के अंदर यहाँ कांस्टेंट हो गया, पर अब क्या होगा? जैसे लोड बढ़ाओगे तो सॉइल क्या करेगी? अब बस की नहीं है, वो फेल हो जाएगी। तो अगर अगेन क्या हो जाएगी? वो सॉइल फेल कर जाएगी, तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो वॉइड रेशियो क्या हो गया? अगेन वापस बढ़ गया, ठीक है। अब देखिएगा, ये E नॉट लिखा है, इसके कंपैरिजन में हम देख रहे हैं ना सर, ये E नॉट में प्लस E, पर E नॉट में माइनस E, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? लूज है, तो इसमें बढ़ जाएगा, डेंस है तो कम हो रहा है, ठीक है। इन दोनों का कंपैरिजन देखा। अभी E नॉट क्या है ये इसकी रेफरेंशन लिखिएगा, क्रिटिकल वॉइड रेशियो कहते हैं इसको, नोट कर लो, पहले नोट करके डन करो कि सर ये वो वॉइड रेशियो है कि जिसपे ये जीरो नहीं होगा, पहली बात तो याद रखना, ये वो वॉइड रेशियो है जिसके ऊपर आपका शेयर डिस्टरबेंस के कारण कोई वॉल्यूम में रिडक्शन नहीं होगा। भाई ऐसा कोई तो होगा वॉइड रेशियो, उसके अपन ने बात कर ली, तो यहां पे लिखिएगा ये आपका क्रिटिकल वॉइड रेशियो, क्रिटिकल वॉइड रेशियो E नॉट हमने उसको कह दिया। ये E नॉट क्या है कि सर ये वो वॉइड रेशियो है जिसके ऊपर और शेयर डिस्टरबेंस, मतलब और शेयर फोर्स लगाने के ऊपर उसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है भाई, इस कांस्टेंट वैल्यू से ऊपर और कांस्टेंट वैल्यू से नीचे क्या प्रॉपर्टी होगी वो आपको लिखना है। तो लिखिएगा, इट इज दैट वॉइड रेशियो, इट इज दैट वॉइड रेशियो एट विच ऑन शेयर डिस्टर्बेंस, एट विच ऑन शेयर डिस्टर्बेंस, एट विच ऑन शेयर डिस्टर्बेंस देयर इज नो मोर रिडक्शन इन वॉइड रेशियो, देयर इज नो मोर रिडक्शन, रिडक्शन होता कमी, नो मोर रिडक्शन इन वॉइड रेशियो। सर ये वो वॉइड रेशियो है जिसके ऊपर और अगर आप शेयर स्ट्रेस बढ़ा दें तो नो मोर रिडक्शन इन वॉइड रेशियो, उससे ज्यादा कम हो ही नहीं सकता, तो वो मिनिमम की बात कर रहा है। वो जीरो तो नहीं होगा, अगर हमने बात कर लिए 0.1 तो वो 0.1 हो गया कि भाई इससे बाद अगर आप बढ़ाओगे डिस्टेंस करोगे तो वॉइड रेशियो कम नहीं होगा, वो वहां पे जाके रुक गया है उस सॉइल के लिए, ठीक है। तो इट इज दैट वॉइड रेशियो एट विच नो शेयर डिस्टर्बेंस, ऑन विच शेयर डिस्टर्बेंस देर इज नो मोर रिडक्शन इन वॉइड रेशियो, शेयर डिस्टर्बेंस करने के ऊपर वॉइड रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। बैक करना है क्या? चलो पहले इसको नोट कर लो, या बैक करें पहले? लो बैक करें। सुमित क्या कह रहे हैं, डेंस वाले को ऊपर भी बना सकते हैं, सेम डेंस वाले को ऊपर
नहीं बना सकते, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं ना, हम कंपेयर कर रहे हैं, केवल डेंस की बात नहीं कर रहे। केवल डेंस की बात करो तो फिर कहीं बना सकते, हम कंपेयर कर रहे हैं कि भाई 0.1 से नीचे और 0.1 से ऊपर हम कंपेयर कर रहे हैं। बिमलेश लिख लो, लिख लो, डेंस वाला बता दो। डेंस में क्या बेटा, वर्ड रेशियो क्या है, लूज से कम है। अब जैसे ही अपन लोड बढ़ाओगे तो सॉइल फेल होगी, मतलब क्या होगा, जो पार्टिकल है वो क्या करेंगे, वो स्लिपिंग हो जाएंगे। पार्टिकल स्लिप हो जाएंगे तो क्या होगा, पार्टिकल के स्लिप होने से, पार्टिकल के स्लिप होने से जो है वो वॉल्यूम वापस बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्ड रेशियो क्या होंगे, अगेन इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ले लो ये पेज को, नोट कर लो ये। तो इस पे क्वेश्चन क्या आएगा, समझ में आया, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा आपका, वो पूछ सकता है आपसे कि शियर स्ट्रेस के बढ़ने से डेंस सैंड के अंदर किस तरह का नेचर होगा। तो डेंस सैंड के अंदर फर्स्ट इट विल डिक्रीज एज एंड आफ्टर एट अ पॉइंट इट विल अगेन इंक्रीज एज। एक बार डिक्रीज होगा उसके बाद अगेन इंक्रीज होगा। तो इस पे ग्राफ तो पूछ सकता है, पूछने के चांस बहुत कम है ग्राफ के तो, पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से आते ही आते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आते ही आते हैं। सभी का नोट हो गया, आ जाए नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टेस्ट पे। चलिए नेक्स्ट टेस्ट इज टेस्ट नंबर सेकंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, ट्राई एक्सियल टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, चाहे SSC प्री हो, चाहे SSC मेंस हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आइदर स्टेट AEJEE हो, इस शेयर स्ट्रेंथ के अंदर भी, इसके अंदर भी जो ट्राई एक्सियल टेस्ट है ये बड़ा ही क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है। चलिए ट्राई एक्सियल के टेस्ट की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ट्राई एक्सियल टेस्ट किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ट्राई एक्सियल टेस्ट जो होता है वो सभी सॉइल के लिए एप्लीकेबल है। पहला क्वेश्चन, इट इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल, ऑल टाइप ऑफ सॉइल। सेकेंड, ट्राई एक्सियल टेस्ट की बात करें तो ट्राई एक्सियल टेस्ट के अंदर हम एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन बनाते हैं जिसका जो डायमेंशन है वो कितनी होती है, लेंथ जो होती है उसकी डायमीटर का ट्वाइस होता है, डायमीटर का ट्वाइस होता है, L इज इक्वल टू 2D होता है। उस सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन को बना के उस ट्राइएक्सियल टेस्ट के अंदर अपन उसको क्या करते हैं, पुट करते हैं। जो उस ट्राइएक्सियल टेस्ट के अंदर उसको पुट करेंगे तो होगा क्या, उसमें दो स्टेजेस होती हैं, ठीक है, स्टेज नंबर वन और स्टेज नंबर सेकेंड। स्टेज नंबर वन क्या कहती है, स्टेज नंबर वन ये कहती है आपको के शियर कन्फाइनिंग स्टेज होती है, कन्फाइनिंग स्टेज जिसमें ऑल अराउंड एक सेम और इक्वल कन्फाइनिंग प्रेशर लगता है, उसमें फेलियर नहीं होता। सेकंड स्टेज में हम क्या करते हैं, उस कन्फाइनिंग स्ट्रेस के लगने के साथ साथ एडिशनल लोड और हम बढ़ाते जाते हैं, उस एडिशनल लोड एडिशनल स्ट्रेस बढ़ाते हैं जिसके कारण क्या होता है आपका, फेलियर होता है। तो उस एडिशनल स्ट्रेस को बोलते हैं डेविटर स्ट्रेस, तो उसको क्या बोलते हैं, डेविटर स्ट्रेस कहते हैं, और उस स्टेज का नाम होगा डेविटर स्ट्रेस। क्लियर हुआ, डन। थोड़ा बहुत अब लिखिएगा, एक एक करके पॉइंट लिखिएगा, समझते आते जाएंगे। पहला पॉइंट लिखिएगा, इट इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, इट इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है। सेकंड लिखिएगा, सैंपल
L is equals to 2D. L is equals to 2D. सैंपल का जो साइज होगा किसका, L is equals to 2D. नेक्स्ट लिखिएगा, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड इन, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड इन टू स्टेजेस. ये दो स्टेज में परफॉर्म किया जाता है. दिस टेस्ट इज कंडक्टेड इन टू स्टेजेस. पहला कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज, ठीक है, और सेकेंड डेवेटर स्टेज. तो एक ही नाम नहीं है, और भी बहुत सारे नाम है. मैं एक जनरल नाम लिख रहा हूँ जो आपको, आप लोगों ने पढ़े होंगे, उसके बाद सारे नाम लिखेंगे. तो पहली स्टेज होती है आपकी सेल प्रेशर, स्टेज स्लैश कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज भी कहते हैं. सेकंड अगर बात करें डेविएटर स्टेज और शियर स्टेज. दो स्टेजेस में होता है. पहला स्टेज सेल प्रेशर या कन्फाइनिंग प्रेशर, ठीक है, फिगर बताएंगे अभी, रुको. अरे पहले कुछ समझ तो लो, सीख तो लो, तब तो फिगर देखोगे. पहले कुछ सीख लो भाई. दो स्टेजेस होती हैं, एक सेल प्रेशर होता है, एक कन्फाइनिंग प्रेशर होता है. सभी टाइप ऑफ सॉइल के लिए अप्लीकेबल है. नोट करो, पहले दोनों स्टेजेस के बारे में लिखो, कुछ सोचो समझेंगे अपन उसके बारे में, या फिर सुन लो उसका, फिर डायग्राम दिखा देते हैं भले ही. चलिए हो गया. लैब टेस्ट है बेटा ये, ट्राइएक्सियल टेस्ट लैब के अंदर होता है. लेबोरेटरी में देखा नहीं क्या आपने ट्राइएक्सियल टेस्ट? एक कांच का सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन होता है, बीचों बीच एक डिस्क होती है, उसमें अपन सॉइल रखते हैं और उसमें कई सारे वॉल होते हैं जो वाटर को कंट्रोल करने के लिए होते हैं. तो पहली स्टेज में वाटर सब तरफ से लगेगा, दूसरी स्टेज में अपन डेविएटर स्टेस वाला खोलेंगे तो वहां से डेविएटर स्टेस लगता रहेगा, और एक पॉइंट पे जाके अगर टूट जाएगा, फेलियर हो जाएगा, तो वो उसकी सीर स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है. सेकेंड में क्या है, सेकेंड में लिखा डेविएटर स्टेज, DEVIATOR, डेविएटर स्टेज या शियर स्टेज कहते हैं. बताएंगे इनका नाम भी बताएंगे कि सेल प्रेशर को कन्फाइनिंग क्यों कहते हैं, डेविएटर को शियर क्यों कहते हैं, भी रीजन बताएंगे. एक बार लिख लो, सबके रीजन है इस बोर्ड पे, जो भी लिख रहेगा उसका सबका रीजन पता है अपने पास, टेंशन ना लो. एक बार नोट करो और फिर डायग्राम देख लो, नोट करके डन करिएगा, फिर डायग्राम देख लो, डायग्राम पहले देख लो आप. चलो हो गया नोट, चलो आओ. ये सारे के सारे आपके ट्राइएक्सियल टेस्ट का डायग्राम है. ये है आपका ओरिजिनल डायग्राम, ये आपका ओरिजिनल डायग्राम. देखा है ये डायग्राम? बताओ देखा है डायग्राम? जूम तो नहीं हो रहा है, ये हो रहा है क्या? सुन नहीं हो रहा, ये इतना ही है. देखो रिफ्रेश करके होगा, देख लेते हैं.
लैब में देखा है? नहीं हो रहा बेटा, जिसको अब होगा, रुको एक मिनट रुकना। हेलो, नहीं हुई, डाउनलोड ही नहीं हुई है तो। ये देखो, गुड, अब दिख रहा है? तो ये आपका एक कांच का सिलेंडर होता है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, सॉइल सैंपल को प्लेस करते हैं। ये आपका, ठीक है, इतना ही होगा ये भी, ठीक है। ये कांच का सॉइल आपका एक सैंपल होता है, इसके अंदर अपन सॉइल सैंपल को प्लेस करते हैं, और ये ऊपर से जो आ रहा है ये डेविटर स्ट्रेस है, ये आपका डेविटर स्ट्रेस के ऊपर लग रहा है। ये साइड में वॉल्स होते हैं, कई सारे वॉल्स होते हैं। ये वॉल क्या करते हैं, ये एक बार ऑल अराउंड वाटर आपका लगा दे, इसको बोलते हैं कन्फाइनिंग। इसमें क्या होगा कि चारों तरफ से इसमें, तो देखो अपने को क्या दिख रहा है, 2D डायग्राम दिख रहा है। ये सिलेंडर अगर है पूरा, तो चारों तरफ से पीछे से भी लगेगा और सामने से भी, इसमें चारों तरफ से अंदर की तरफ इस बॉक्स के, इस केसिंग के अंदर, यहां से वॉल ओपन करोगे तो वाटर एंटर करेगा, उस केसिंग के अंदर क्या होगा आपका ऑल अराउंड प्रेशर लगेगा, कन्फाइनिंग प्रेशर। कन्फाइनिंग प्रेशर लगने के बाद में ये डेविटर स्ट्रेस, यहाँ से अपन स्ट्रेस और बढ़ाएंगे कब तक, जब तक कि सॉइल मास अंदर जो रखा है फेल ना हो जाए। इस सॉइल मास के ऊपर एक क्या करते हैं, एक कोटिंग रबर मेम्ब्रेन अपन लगा के फिर उसको रखते हैं, इसके अंदर प्लेस करते हैं। क्लियर हुआ पूरी कहानी, समझ में आई? इसमें पोर प्रेशर को मेजर करने के लिए, देखो कितने सारे वॉल है, तो इन वॉल का काम क्या होता है, पोर प्रेशर। अगर ड्रेनेज है तो कितना ड्रेनेज निकल रहा है, कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सब अरेंजमेंट अपने पास होता है, ठीक है। अब आ जाइए, ये पूरे ट्राइएक्सियल टेस्ट के ही है अपरेटस सारे। ये देखो, इसमें ज्यादा क्लियर होगा, ये देखो क्लियर दिख रहा है, ये स्पेसिमेन है, बीच में सॉइल का स्पेसिमेन रख रखा है रबर मेम्ब्रेन लगा के, ये कांच के बीकर के अंदर, ठीक है। ये बॉल है यहाँ पे, ये बॉल, ठीक है। ये पोर प्रेशर को, पानी अंदर आता है चारों तरफ लगता है और वाटर ड्रेन आउट हो रहा है, उसको मेजर करने दूसरा बैल होता है, तो ड्रेन एंड ड्रेन। तो समझोगे कैसे, वही तो बात आ रही, पहले समझ रहे नहीं, आप डायग्राम देख रहे हो, समझोगे तब तो, पहले डायग्राम की जगह आप पढ़ तो लो। आपको डायग्राम की जरूरत थी तो दिखा दिया डायग्राम, अब आ जाओ। जब तक समझोगे तब तक डायग्राम क्या रहेगा, कुछ नहीं समझ आएगा। अब आओ, पहले समझोगे पहली स्टेज क्या होती है। स्टेज फर्स्ट का नाम है सेल प्रेशर स्टेज, और जिसे बोलते हैं कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज। सेल प्रेशर और कन्फाइनिंग प्रेशर, अब देखिएगा यहाँ पे इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले कुछ थ्योरी लिखो, फिर इसका डायग्राम देखेंगे, फिर उसको रिलेट करना आप। सबसे पहले लिखिएगा, इन फर्स्ट स्टेज ऑफ कन्फाइनिंग प्रेशर, इन फर्स्ट स्टेज ऑफ कन्फाइनिंग प्रेशर, पहली स्टेज कौन सी है, कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज है। द इन फर्स्ट स्टेज ऑफ कन्फाइनिंग प्रेशर, All around constant pressure, जिसको हमने बोला सिग्मा सी इज अप्लाइड, कन्फाइनिंग प्रेशर तो सिग्मा सी लिख दिया, सी इज अप्लाइड, सेल प्रेशर बोल दो, कन्फाइनिंग प्रेशर सी लिख दिया,
सबसे पहले में क्या होगा, कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज में कि जो सॉइल सैंपल उसके चारों तरफ एक सेम प्रेशर लगेगा, वो प्रेशर कैसा होगा उसको बोलते हैं कन्फाइनिंग प्रेशर, सेम लगेगा, वो फेलियर नहीं करेगा, वो केवल कन्फाइन का मतलब क्या है, दो चीजों को बीच में उसको कन्फाइन कर देना, तो एक इक्वल आपका प्रेशर लगेगा चारों तरफ, तो उसको कन्फाइन कर देगा उस सॉइल मास को, ठीक है। इन फर्स्ट स्टेज कन्फाइनिंग प्रेशर ऑल अराउंड कॉन्स्टेंट प्रेशर सिग्मा सी इज अप्लाइड, दिस कन्फाइनिंग प्रेशर sigma c act as minor principal stress, ये किस तरह का बिहेव करता है, minor principal stress जो कम होता है, मेजर जो ज्यादा होता है, तो ये ऑल अराउंड जो प्रेशर लेगा ये एक जैसा प्रेशर होगा, इसको कैसे कहेंगे, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, जिसको अपन बोलते हैं सिग्मा थ्री, जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिग्मा सी के बराबर हो जाएगा, यही था, सिग्मा थ्री को बोला था अपन ने माइनर, तो सिग्मा थ्री जो क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा सी के बराबर हो जाएगा। अब इसका डायग्राम देखना और फिर समझ में आएगा आपको, यहाँ जो लिखा है पॉइंट ये सारे समझ में आए कि नहीं आए, पहले तो ये बताओ कि पहले स्टेज को बोलते हैं सेल प्रेशर या कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज, जिसमें ऑल अराउंड कॉन्स्टेंट प्रेशर, एक सेम अमाउंट का प्रेशर चारों तरफ लगता है उसके, और इस कन्फाइनिंग प्रेशर सिग्मा सी को ही माइनर स्ट्रेस कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, माइनर स्ट्रेस कहते हैं। तो माइनर स्ट्रेस सर हमने तो सिग्मा थ्री पढ़ा था, मेजर को पढ़ा था सिग्मा वन, पढ़ा था शेयर स्ट्रेंथ के अंदर सिग्मा वन सिग्मा थ्री स्टार्टिंग में, तो सिग्मा थ्री को क्या बोल रहे हैं अपन, माइनर, तो सिग्मा सी हो गया, कन्फाइनिंग प्रेशर किसके इक्वल हो गया, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के इक्वल हो गया। यहां तक डन, नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछो। वेरी गुड। इसमें दो कंडीशन होती है, कौन सी, या तो ड्रेन्ड या अनड्रेन्ड। मतलब जब आपने इस सॉइल पे कन्फाइनिंग स्ट्रेस लगाया, इस कन्फाइनिंग स्ट्रेस के लगाने से वाटर क्या होगा, निकलेगा। अगर सॉइल कैसी पार्शियली सैचुरेटेड या सैचुरेटेड, तो वाटर निकलेगा। तो वाटर का अगर ड्रेनेज अलाउड है तो ड्रेन्ड कहेंगे, और अगर नहीं अलाउड है तो अनड्रेन्ड कहेंगे। तो देखिएगा, इट इज परफॉर्म इन टू टाइप्स। भाई सिंपल सी बात है, सिग्मा थ्री तो लगना ही है, पर एक और दो अलग अलग कंडीशन होती है, कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड। कंडीशन फर्स्ट ड्रेन कंडीशन, अनड्रेन कंडीशन। ड्रेन कंडीशन में क्या होगा कि जो वाटर ड्रेन आउट हुआ है उसका ड्रेनेज परमिटेड है, उसमें से निकलना अलाउड है या नहीं है, यह बात हो रही है। हमें थोड़ी देर बाद रुकिएगा। ड्रेन कंडीशन की अगर बात करें तो एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर इज परमिटेड इफ एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर इज परमिटेड बाय ओपनिंग द वेल। तो नीचे जो वेल लगा था उस वेल को ओपन करके पोर प्रेशर को निकलना अलाउ है तो ड्रेन कंडीशन होगी, या फिर पोर प्रेशर को निकलना अलाउ नहीं है मतलब हमने वेल को क्लोज कर रखा है तो अनड्रेन कंडीशन होगी। तो इफ expulsion of pore pressure, pore water
इज नॉट परमिटेड. अब इसमें नॉट परमिटेड है, नॉट परमिटेड बाय क्लोजिंग द वेल्व. अब कैसे होगा, क्लोजिंग द वेल्व, तो वेल्व को बंद कर दो, जो वॉल था उस वॉल को बंद कर दें तो पानी बाहर नहीं आएगा, तो अनड्रेन्ड हो गई. अगर पानी बाहर नहीं आएगा तो वॉल्यूम चेंज भी नहीं होगा, अगर पानी बाहर आ रहा है तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा. क्लियर है, आ गई बात समझ में? क्लियर है, आ गई बात समझ में? के दो कंडीशन में होगा, जब हमने कन्फाइनिंग प्रेशर या सेल प्रेशर लगाया, पहला स्टेज चारों तरफ से एक सेम प्रेशर लगाया जिसको सिग्मा 3 या सिग्मा 6 कन्फाइनिंग प्रेशर बोला या माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का, उसके कारण क्या होगा, वाटर निकलेगा सॉइल मास में से. जब वाटर निकलेगा अगर उसका ड्रेनेज अलाउड है, अगर ड्रेनेज अलाउड है तो उसे क्या कह देंगे, ड्रेन कंडीशन. अगर नहीं अलाउड है तो अनड्रेन कंडीशन कह देंगे. तो ड्रेनेज अलाउड या नहीं अलाउड का मतलब क्या है, वॉल अगर बंद कर रखा है तो पानी नहीं निकलेगा, अनड्रेन कंडीशन. वॉल अगर खोल रखा है तो ड्रेन कंडीशन, पानी निकल जाएगा. अगर सर वॉल अगर खोल दिया तो पानी निकलेगा तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. अगर वॉल बंद कर रखा है पानी नहीं निकल रहा तो पानी नहीं निकलेगा तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, तो वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा. ठीक है, आ गई बात समझ में? अब इसको और देखो, सही बात. अब रियल देखिएगा कि कैसे होता है. अब पिक्चर 101% क्लियर हो जाएगा, दिमाग में हर चीज क्लियर हो जाएगी. इतना नोट कर लो, जितना समझ सके बहुत बढ़िया, कुछ भी रह रहा है एकाधिक परसेंट भी, वो अब सब यहां पे क्लियर हो जाएगा डायग्राम के अंदर. नोट करके डन करिएगा. और अमित पीछे नहीं रहना है जीवन में, बता तो दिया है, आगे बढ़ते चलो और सब्र रखो. हो गया अमित नोट? 11th पेज. सिंटू आप तो और पीछे, ये लो भाई और पीछे आ जाओ, ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से. सिंटू और क्या नाम था अमित, 1 2 3 नेक्स्ट. लो 1 2 3 नेक्स्ट, ये 13 ले लो, 1 2 3 नेक्स्ट. चलिए अब हम क्या कह रहे हैं, अब इसको सर देखा जाए कैसा दिखता है. अभी देखिएगा, हमने बोला कि सर एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन उसमें हम रखते हैं, इसमें सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन लगते हैं जिस पर रबर की कोटिंग होती है. इसके ऊपर क्या होगा, एक रबर की कोटिंग इसके ऊपर पहना देते हैं अपन, रबर की कोटिंग. ठीक है, इस सॉइल सैंपल को, फिर उस सॉइल सैंपल को उस कांच वाला जो बीकर था ना कंटेनर, उसके अंदर रख देते हैं. ठीक है, उसके अंदर अपन रख देते हैं. जब उसको अपन उसके अंदर रख दिया, ऊपर से पूरे ऑपरेटर से वो क्लोज कर दिया और वॉल ओपन किया, किस लिए, स्टेज नंबर 1 के लिए. बड़े ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा. ठीक है, क्या बोल रहे थे कि स्पेसिमेन जिसका लेंथ जो होगा विड्थ से दुगनी होगी, वैसा स्पेसिमेन बनाया, सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन, उस पर रबर की कोटिंग लगाई, कोटिंग रबर उसके ऊपर चढ़ा के और उसको बीचों बीच रख दिया और फिर उसके ऊपर वॉल ओपन किया. अब क्या हुआ, पहली स्टेज कंप्लीट होने लगी. पहली स्टेज अगर कंप्लीट होने लगी तो पहली स्टेज में क्या होगा सर, कन्फाइनिंग प्रेशर, सेल प्रेशर, जिसमें ऑल अराउंड इक्वल स्ट्रेस लगेगा या इक्वल प्रेशर लगेगा. तो हमने बोला कि कुछ इस तरह से सारे तरफ लगेगा. पानी क्या करेगा, और कौन लगाता है सर, वाटर उसके अंदर फिल होता है, वाटर आएगा जैसे अपन वॉल ओपन करोगे तो वाटर उसके अंदर एंटर करेगा और इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करेगा. तो उसने क्या किया, वाटर ने सर ये इक्वल प्रेशर लगाया. इस प्रेशर को क्या बोलते हैं, कन्फाइनिंग प्रेशर, सिग्मा सी. इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा सी. पर याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ उसको कन्फाइन करने के लिए, प्रॉपर एरे, प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर शेप में लाने के लिए, इसका काम फेलियर नहीं होता. कभी भी पहला स्टेज में सॉइल फेल नहीं हो, केवल कन्फाइन करेंगे उसको थोड़ा सा अपन, अगर बात करें ना, अगर कोई मोल्ड होता है उसको उसको ठोकते हैं थोड़ा सा ताकि वो एडजस्ट हो जाए. तो ठोकते हैं, जैसे अगर ब्रिक बनाया तो भी उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ठोकते हैं. तो उसी तरह से उसको भी क्या करेंगे, थोड़ा सेट करने के लिए कन्फाइनिंग प्रेशर लगाए सिग्मा सी, जो किसके इक्वल होगा, माइनर के. तो इसलिए हमने लिख दिया इट इज इक्वल टू सिग्मा 3. इसको ही क्या बोलते हैं, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस. क्योंकि मेजर तो क्या होगा, मेजर तो सर फेलियर पे होगा, मेजर तो फेलियर पे होगा. तो ये क्या है आपका, ये सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल है. इसके ऊपर क्या करते हैं, इसके ऊपर एक कोटिंग लगाते हैं. ठीक है, इसके ऊपर क्या करते हैं, एक कोटिंग लगाते हैं, ये रबर मेम्ब्रेन पहनाते हैं इसके ऊपर, रबर मेम्ब्रेन. याद आया रबर मेम्ब्रेन, याद आया कि नहीं आया, रबर मेम्ब्रेन.
करा था किसी ने टेस्ट कि रबर मेम्ब्रेन पहनाते हैं इसको, या नहीं किया किसी ने? नहीं किया तो फिर क्या याद आएगा? नहीं किया उसको तो कुछ पता ही नहीं, इसने किया उसको याद आया होगा कि सर पहले क्या करते हैं? नहीं, अंडर में नहीं लगाते क्योंकि अंडर में एक प्लेट होती है, तो प्लेट के ऊपर इसको रख देते हैं, टॉप में एक प्लेट होती है, प्लेट के ऊपर रख देते हैं। हम क्या करेंगे, ऐसे पहनाएंगे रबर मेम्ब्रेन तो चारों तरफ, ताकि सॉइल बिखर ना जाए, ठीक है? हाँ बिल्कुल, तो इसको कहाँ रखेंगे, नीचे प्लेट होती है, ऊपर एक प्लेट आएगी, और फिर क्या करेंगे, साइडों से इसके ऊपर एक प्रेशर लगाएंगे, इसलिए साइडों में पहनाते हैं इसको। अब ये हो गया आपका स्टेज नंबर फर्स्ट का डायग्राम, क्लियर हो सब इसको सबको? किसका डायग्राम है? स्टेज फर्स्ट का डायग्राम है। अब समझ में आया होगा आपको कि नहीं आया, तो अब उसको रिलेट कर पाएंगे। केवल पिक्चर देखने से या डायग्राम देखने से काम नहीं बनता है, पढ़ना पड़ता है उसके बारे में। आ गया मोहम्मद आफ्ताब, अपने को भी क्लियर हुआ? हाँ नोट करो, बिल्कुल नोट ही तो करना है। अब यस वेरी गुड, तो अब आप रिलेट कर पाओगे, पहले उसको थ्योरी पढ़ा करो उसके बाद डायग्राम देखो, तब ज्यादा बढ़िया से समझ पाओगे, नहीं तो कंफ्यूजन रह जाएगा क्योंकि पढ़ा कुछ नहीं, डायग्राम देख के क्या मतलब। पहले पढ़ो उसके बाद डायग्राम देखो, तो अपने आप चीजें फटाफट क्लियर होंगी। एस्टिमेशन की क्लास चल रही है शाम में, देख रहे हो रिविजन चल रहा है उसमें बढ़िया तरीके से एकदम। वो पढ़ लेना, अगर जिसने कभी नहीं पढ़ा कुछ भी ना, तो थोड़ा बहुत उसको पढ़ लेना, बहुत सही रहेगा वो। देख लो फ्री है सबके लिए, निम्बस लर्निंग जो है अपना चैनल है, यूट्यूब पे सर्च करोगे निम्बस लर्निंग, तो वहां शाम को 6 बजे चलती है, 6 से 7 चलती है। ऊपर रबर नहीं, क्योंकि ऊपर बेटा लोडिंग प्लेट होती है, नीचे प्लेट पर रखते हैं, तो थोड़ा सा देख लो ताकि बढ़िया रहेगा, जिसने नहीं पढ़ा वो भी। तो ये है कि कुछ क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे और कुछ क्या अच्छे खासे बन जाएंगे, अगर जिसने हल्का फुल्का भी थोड़ा सा पढ़ रखा है उनके लिए तो काफ़ी है, और जिसने नहीं पढ़ रखा उसके लिए भी कुछ तो मिलेगा, और अच्छा ही है सब चीज़ें, तो देख लेना है ना, फायदा रहेगा। सर क्लास सही, क्रैश कोर्स लगा रहा है सर। हाँ क्लास नहीं बेटा, वो क्रैश कोर्स ही है, क्रैश कोर्स है। अरे बिल्कुल बताएंगे सौरभ, रुको लिक्विफैक्शन अभी आएगा, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक लिक्विफैक्शन ही है। अरे लूज सैचुरेटेड सॉइल के अंदर शेयर स्ट्रेंथ दूर खत्म हो जाती है, उसको बोलते हैं लिक्विफैक्शन, ठीक है बता देंगे आगे, घबराओ नहीं। चलिए हो गया, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे, लिखिएगा नोट के अंदर। नोट में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट आपको बताएगा पूरा बेसिक, पहला पॉइंट बताएगा आपको पूरा बेसिक कि क्या है इसका आखिरी सार क्या है इस डायग्राम का, व्हाट इज द समरी ऑफ दैट पर्टिकुलर डायग्राम पर्टिकुलर स्टेज। तो लिखिएगा इन ड्रेन्ड कंडीशन, इन ड्रेन्ड कंडीशन consolidation is completed when note karo pehle completed when expulsion of pore water is stopped and change in volume of soil and change in volume of
soil is equal to, बताइएगा बड़े ध्यान से, ठीक है, क्या बोल रहे हैं सर, सॉइल का क्रैश कोर्स कराइएगा, पढ़ा है बेटा सॉइल का क्रैश कोर्स, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, है ना, क्रैश कोर्स करा रखा है सॉइल का, एनवायरनमेंट का भी है दोनों। इन ड्रेन्ड कंडीशन, भैया अनड्रेन्ड की तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि अनड्रेन्ड में सर पानी नहीं निकलेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, जो वाटर नहीं निकलेगा तो कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो अनड्रेन्ड की तो बात ही नहीं करो, ड्रेन की बात करो सर, ड्रेन में क्या होगा, ड्रेन में जब वाटर है वो क्या होगा, उस सॉइल वहां से निकलेगा, तो इन ड्रेन कंडीशन कंसोलिडेशन इज कंप्लीटेड व्हेन द एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर इज स्टॉप, तो कब बोलेंगे कि खत्म हो चुकी है, कब बोलेंगे कि सर ये खत्म हो चुकी है, तो हम बोलेंगे जब कंप्लीशन ऑफ एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर इज स्टॉप, कि पूरा तरीके से पानी निकलना बंद हो गया है, किसके अंदर से, उस सॉइल मास में से, हम बोल देंगे आप ये स्टेज हो चुकी, ठीक है, एंड चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू, तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल किसके इक्वल होगा, तो जो चेंज होगा वॉल्यूम में, ऑब्वियसली होता है जब पानी निकलेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा किसके बराबर होगा, अरे जितना पानी निकलेगा सर, जितना वाटर उससे ड्रेन होगा उसी के इक्वल होगा आपका चेंज इन वॉल्यूम, तो लिखेगा चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम वाटर कलेक्टेड, किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड, ठीक है, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड, कि जितना वाटर निकल रहा है जितना वॉल्यूम है उस वाटर का उतना ही वॉल्यूम उसमें से कम होगा, भाई एक चीज निकलेगी तो वॉल्यूम कम होगा ही होगा ना, तो क्या निकल रहा है वो एक चीज सर, वाटर निकल रहा है, जितना वाटर ड्रेन होगा उसके बराबर होगा। सेकंड पॉइंट देख लीजिएगा, सेकंड पॉइंट बोलते हैं कि इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा गया है क्वेश्चन में, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, स्ट्रेस किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस किसे कहते हैं, तो आप कह देंगे कि कहते हैं कन्फाइनिंग प्रेशर को, किसे कहते हैं, कन्फाइनिंग प्रेशर को ही कहते हैं, कन्फाइनिंग प्रेशर मतलब पहली स्टेज में जो प्रेशर लग रहा है सिग्मा थ्री या बात करें सिग्मा सी, उसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ये जनरल है और ये क्वेश्चन है आपका। तो ये तो हुई पहली स्टेप खत्म, अब पूरी बातें पता है पहली स्टेप के बारे में, एक एक पॉइंट, कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, फिर अपन आने वाले हैं सेकंड स्टेज पे, नोट कर लो और कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर अपन आने वाले हैं सेकंड स्टेज पे। इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, अनड्रेन्ड में एयर को भी एक्सपल्जन अलाउ नहीं होता है क्या, अनड्रेन्ड बेटा कुछ भी अलाउ नहीं है, अनड्रेन्ड में कुछ भी अलाउ नहीं है, वो कांच का कंटेनर है उसमें से कुछ अलाउ नहीं है, जब वॉल बंद कर रखा है ना तो एयर है ना वाटर है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, बेटा इंटरमीडिएट कन्फाइनिंग प्रेशर को ही इंटरमीडिएट भी कहते हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर बात करेंगे कन्फाइनिंग प्रेशर इंटरमीडिएट किसको कहते हैं, तो कन्फाइनिंग प्रेशर को ही कहते हैं। चलें आगे नेक्स्ट पे, चलिए आइए, स्क्रीनशॉट का समय आ गया भाई, अब तो स्क्रीनशॉट का समय आ गया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फर्स्ट नेक्स्ट 1 2 3 सेकंड, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज ऑल्सो इक्वल टू कन्फाइनिंग स्ट्रेस, नहीं बेटा वो तो कहानी अलग है, बताऊंगा मैं आपको मेजर वाली, सौरभ वो बताऊंगा,
वन टू थ्री नेक्स्ट थर्ड। हाँ क्या जरूरी नहीं है बेटा अमित, क्या दिक्कत? इसको स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, थोड़ा पानी वानी पियाओ, ठीक है? पानी वानी पियाओ दो मिनट, और जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो लेते रहो। अच्छा स्क्रीनशॉट जरूरी नहीं है, ओके ओके अमित। वन टू थ्री नेक्स्ट फोर्थ। वन हाँ दो मिनट सो लो, आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री नेक्स्ट फिफ्थ। सन ड्रेन कंडीशन सॉइल सैंपल फुली सैचुरेटेड होगा? नहीं जरूरी नहीं बेटा, पार्शली सैचुरेटेड होगा तो भी तो हो सकता है। ड्रेन्ड, ड्रेन मतलब वाटर का निकलना है, पार्शली सैचुरेटेड में पानी निकल सकता है। वन टू थ्री नेक्स्ट सिक्स। वन टू थ्री नेक्स्ट सेवेंथ। वन टू थ्री नेक्स्ट एट्थ। हाँ क्या बोल रहे हो? कोविड क्रेज इंक्रीज हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं? सारे एग्जाम की डेटें आ चुकी है, अब क्या अब तो होगा तो फिर तो दिक्कत है, फिर सारे एग्जाम्स अटक जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों, कहाँ पे इंक्रीज हो गए देवकरण? वन टू थ्री नेक्स्ट केरला में। अच्छा ये पिछली बार भी केरला के उधर से आया था, साउथ से ही, साउथ हुआ महाराष्ट्र हुआ आंध्रा हुआ इधर से ही। कोटा में आज 15 केसेस हैं, तो डेल्टा प्लस वॉरेंट के हैं क्या ये, या फिर नॉर्मल कोविड के हैं? सर ड्रेन कंडीशन में सॉइल सैंपल फुली सैचुरेट होगा? अरे जरूरी थोड़ी बेटा, ठीक है नेक्स्ट। वन टू थ्री नेक्स्ट। सही चल रहा है? टेलीग्राम पे क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं तो सॉल्व हो पा रहे हैं? आपको आंसर मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा? बिहार में नहीं है, वेरी गुड, है ना? आंसर आ रहा होगा, कोई ना कोई स्टूडेंट तो कर ही देता होगा आंसर। बिल्कुल कोविड के साथ जीना होगा, कौन सा नहीं मिल रहा? जीका वायरस। चलो वन टू थ्री नेक्स्ट इलेवेंथ। क्या चीज बुक में दिया होता है? विश्वास। होशियार वाला, वो अलग क्वेश्चन है बेटा। वन टू थ्री नेक्स्ट। अरे सॉल्यूशन कर तो रहे हैं लोग, सॉल्यूशन करके फोटो खींच के भेज रहे, मैं देख रहा हूं। आईएएस मास्टर हो जाओ, पीडीएफ वाला है क्या? वन टू थ्री नेक्स्ट। वो अलग है बेटा, वो जो केस है वो मैं स्केम्पटन्स पोर प्रेशर पैरामीटर में पढ़ाऊंगा, वहां उससे लेट कर सकते हो, वहां से आएगा। ओसीआर में ऐसा कुछ है नहीं,
स्केलेटन प्रोज प्रेशर पढ़ाओगे तो वहाँ पे ए और बी अलग अलग कॉन्स्टेंट्स आते हैं, एक ए होता है एक बी होता है, तो उसके थ्रू आप बता सकते हो। नेक्स्ट 1, 2, 3, तो स्केलेटन पोर प्रेशर पैरामीटर पढ़ेंगे अपन, टेंशन ना लो, उसमें बता दूंगा मैं आपको। कन्फाइनिंग इज कॉल्ड ओवरबर्डन प्रेशर, नहीं बेटा कन्फाइनिंग ओवरबर्डन प्रेशर नहीं है, W1 माइनस W2 अपॉन W2 इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है बल्किंग ऑफ सैंड का, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट, स्केम्प्टन पढ़ोगे तो वहां पे आ जाएगा ए और बी कॉन्स्टेंट होते हैं, वहां से हो जाएगा, परेशान मत हो। अरे बहुत ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बहुत ही कुछ अजीब क्वेश्चन हो तो बात अलग है, बाकी हर क्वेश्चन हो जाएगा, टेंशन ना लो, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। जो चैप्टर जो टॉपिक नहीं पढ़ा उससे क्वेश्चन कैसे बना लोगे? अच्छा 13 और 10th बल्किंग ऑफ सैंड कैसे निकालते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन में इनिशियल ऐसा करके देखना निकल जाएगा, इनटू 100 करके। और 13 लो, 13 ठीक है श्रीकांत, अच्छा वॉल्यूम ऑफ वाटर जो बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल केवल बोल रहा है, तो एयर भी तो होता है यहाँ, तो फिर वो सैचुरेटेड कंडीशन मानो, सैचुरेटेड कंडीशन की बात है, ठीक है। चलिए हो गया सब चीज, तो बल्किंग निकाल के देख लो, निकल जाएगी आंसर आ जाएगा। तो ये सारा का सारा अपना पहला स्टेज हुआ, आते हैं अपन सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज को ध्यान से देखना, जिसको दिक्कत है कन्फाइनिंग प्रेशर में और या मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस वाली जो भी दिक्कत है वो सब यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। स्टेज सेकंड, डेविएटर स्टेज, क्या कहते हैं डेविएटर स्टेज, और नेक्स्ट शियर स्टेज। भाई सेल प्रेशर स्टेज को कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज को कहते हैं तो समझ में आ गया, बताओ ठीक है। श्रीकांत ये वो वाला क्या, वो कौन सी फैमिली मैन, चलो चलिए इधर आओ, डेविटर स्टेज और शेयर स्टेज की बात करते हैं। अरे अब हो जाओ शांति, डेविटर स्टेज और शेयर स्टेज की बात करते हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था आपका सेल प्रेशर और कन्फाइन, सेल प्रेशर जो लगता है उससे सॉइल कन्फाइन हो जाती है, तो उसको कन्फाइनिंग प्रेशर भी कहते हैं या कन्फाइनिंग स्टेज भी कहते हैं। इस तरह से डेविटर स्ट्रेस की बात करते हैं, डेविटर का मतलब होता है एडिशनल स्ट्रेस विच इज कॉज टू फेलियर, कि सर वो एडिशनल स्ट्रेस जिसके कारण सॉइल मास फेल होता है उसे हम कहते हैं डेविटर स्ट्रेस। बात समझ में आ गई, कि सर वो एडिशनल स्ट्रेस जिसके कारण सॉइल मास क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, इसको बोलते हैं डेविटर स्ट्रेस। तो लिखो यहां पे डायग्राम देखोगे और क्लियर होगा, पहले इसकी थोड़ी समरी लिखो, थ्योरी लिखो तो समझ में आएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल प्रेशर स्टेज, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल प्रेशर स्टेज स्लैश, और क्या बोलते हैं कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज, कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज, ये पहली स्टेज के कंप्लीट होने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे डेविटर स्टेज। तो लिखिएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल प्रेशर स्टेज स्लैश कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज लेटरल प्रेशर सिग्मा 3 इज कैप्ट कॉन्स्टेंट, लेटरल प्रेशर सिग्मा 3 इज कैप्ट कॉन्स्टेंट। अब उसको कॉन्स्टेंट लगते थे, जितना लग रहा था सिग्मा 3 अब वो फिक्स हो गया, अब इससे ज्यादा उसको इंक्रीज नहीं करेंगे। तो क्या करते हैं कि पहली स्टेज खत्म होने के बाद में जो सिग्मा 3 लग रहा था ना, सिग्मा 3 या कन्फाइनिंग प्रेशर चारों तरफ से, वो उतना का उतना ही रहेगा, अब हम नेक्स्ट स्ट्रेस बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर वेयर एज एक्सियल स्ट्रेस
is increased, whereas axial stress is increased. एक्चुअल स्ट्रेस कौन सा, जो टॉप से वो डायग्राम में देखा था वो टॉप से जो लग रहा था स्ट्रेस, अब उस एक्चुअल स्ट्रेस को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे. ये लेटरल स्ट्रेस, ये लेटरल प्रेशर तो अपन ने कांस्टेंट कर दिया, अब एक्चुअल स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे. तो वेयर एज एक्चुअल स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड बाय सिग्मा डी, उसको किससे सिग्मा डी बोल दिया, बाय सिग्मा डी, इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड डेविएटर स्ट्रेस, कॉल्ड डेविएटर स्ट्रेस. तो एडिशनल स्ट्रेस अगर कोई पूछता है एडिशनल स्ट्रेस वो कौन सा होगा, तो सर डेविएटर स्ट्रेस होगा. भाई एडिशन कौन कर रहे हैं, डेविएटर स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, तो एडिशनल स्ट्रेस कौन सा होता है, डेविएटर स्ट्रेस होता है, ये भी याद रखिएगा. कोई पूछता है डेविएटर स्ट्रेस को बोलते हैं एडिशनल स्ट्रेस. हाँ क्या बोल रहे हो, कहां पे लिखा डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस नहीं बेटा वो डेविएटर स्ट्रेस है, वो डेविएटर स्ट्रेस है. हम डेविएटर स्ट्रेस को बढ़ाने लगते हैं सिग्मा थ्री के बाद, पहली स्टेज खत्म होने के बाद, उसे एक्चुअल स्ट्रेस भी कहते हैं, डेविएटर स्ट्रेस भी कहते हैं. अब वो क्या करेगा डेविएटर स्ट्रेस, या कब तक बढ़ाएंगे, सर जब तक बढ़ाएंगे, जब तक बढ़ाएंगे तब तक कि सॉइल मास फेल ना हो जाए, जब तक कि सॉइल मास फेल ना हो जाए, वो टूट ना जाए शियर में, तब तक उसको बढ़ाते रहेंगे डेविएटर स्ट्रेस को. तो लिखिएगा नेक्स्ट, सिग्मा डी जिसको बोलते डेविएटर स्ट्रेस इज इंक्रीजेस, कब तक इंक्रीजेस, टिल द सॉइल सैंपल विल फेल, टिल जब तक, टिल द सॉइल सैंपल विल फेल्स, किसके अंदर फेल्स इन शियर, जब तक बढ़ाएंगे तब तक कि सॉइल सैंपल फेल ना हो जाए. तो फेलियर कौन से स्टेज में होगा, सेकेंड स्टेज में होगा, किस में होगा, शियर फेलियर होगा, तभी तो वो क्या बोला है शियर स्टेज बोला है. आ गई बात क्लियर, हर एक पॉइंट का मतलब समझ में आया, तो बताओ लास्ट पॉइंट रीड करें, सिग्मा डी इज इंक्रीज इंक्रीजेस, मतलब डेविएटर स्ट्रेस इंक्रीजेस टिल द सॉइल सैंपल, टिल कब तक, टी आई डबल एल, टिल द सॉइल सैंपल विल फेल्स इन शियर, जब तक कि वो सॉइल सैंपल शियर में फेल ना कर जाए तब तक हमें क्या करना है, डेविएटर स्ट्रेस को बढ़ाते चलना है. नोट कर लिया, अब शियर में फेल कर जाए इसलिए तो उसका नाम क्या है सर, डेविएटर स्ट्रेस स्लैश शियर स्टेज, तो उसे शियर स्टेज भी कह दिया. नाम भी समझ में आ गया, शियर स्टेज क्यों बोला, डेविएटर स्ट्रेस क्यों बोला, एक्चुअल स्ट्रेस कौन सा होता है, डेविएटर स्ट्रेस होता है, एडिशनल स्ट्रेस कौन सा होता है, डेविएटर स्ट्रेस होता है. पहला पॉइंट मनोरंजन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल प्रेशर स्टेज, भाई सेल प्रेशर स्टेज मतलब इससे पहले वाली स्टेज, फर्स्ट स्टेज के खत्म होने के बाद, सेल प्रेशर के स्टेज के खत्म होने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिख रखा है कि प्रेशर स्टेज, लेटरल प्रेशर सिग्मा थ्री इज केप्ट कांस्टेंट, उस सिग्मा थ्री को क्या कर देंगे, कांस्टेंट रख देंगे, सिग्मा थ्री को क्या कर देंगे, कांस्टेंट रख देंगे, उसको नहीं बढ़ाना है, बढ़ाना है किसको, डेविएटर स्ट्रेस को बढ़ाना है. क्लियर हुआ, अब बताओ कोई डाउट, भाई डाउट कोई भी नहीं होना चाहिए, डाउट कोई भी नहीं होना चाहिए. आइए तो फिर नेक्स्ट पे, अब सर ये जो स्टेज है ये भी दो तरह से होती है, ड्रेन्ड कंडीशन और अनड्रेन्ड कंडीशन. ड्रेन्ड कंडीशन का मतलब क्या है, हाँ ठीक है, ड्रेन्ड कंडीशन क्या है, ड्रेन्ड कंडीशन ये है कि सर जब सिग्मा डी लगने पर, डेविएटर स्ट्रेस के लगने पर पानी अगर निकलना अलाउड है, वाटर इज ड्रेनेज इज अलाउड और परमिटेड, इट इज कॉल्ड ड्रेन कंडीशन, एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ सिग्मा डी ड्रेनेज इज नॉट परमिटेड, इट इज कॉल्ड एज अनड्रेन्ड कंडीशन. तो सिग्मा डी के लगने में पानी निकलना अलाउड,
ड्रेन कंडीशन, सिग्मा डी के लगने में पानी अलाउ ना अलाउ नहीं तो अनड्रेन कंडीशन, ठीक है, सिग्मा डी की बात हो रही है। आइएगा तो पहला लिखिएगा ड्रेन कंडीशन, ड्रेन कंडीशन इसमें लिखिएगा ड्रेनेज इज परमिटेड, ड्रेनेज इज परमिटेड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ सिग्मा डी, ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ सिग्मा डी। डिवेटर स्ट्रेस के लगने पे अगर ड्रेनेज परमिटेड है तो ड्रेन कंडीशन कहेंगे। सेकंड अनड्रेन्ड कंडीशन, अनड्रेन्ड कंडीशन यहां लिखेगा ड्रेनेज इज नॉट परमिटेड, परमिटेड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ, ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ ऑफ सिग्मा डी। आप चाहो तो पूरा लिखना डिवेटर स्ट्रेस कि अगर ड्रेनेज परमिटेड है सिग्मा डी के लगने पर ड्रेन कंडीशन, ड्रेनेज परमिटेड नहीं है सिग्मा डी पर लगेगा अनड्रेन कंडीशन। हाँ पर वो क्या था विश्वजीत, जो सिग्मा जो ये था फर्स्ट में भी था, ये स्टेज फर्स्ट में, पर उसमें था कि सिग्मा थ्री कन्फाइनिंग प्रेशर के लगने पर ड्रेनेज परमिटेड है और कन्फाइनिंग प्रेशर पर लगने से ड्रेनेज परमिटेड नहीं है। तो वो कन्फाइनिंग प्रेशर यहाँ पे क्या है, डेविटर स्ट्रेस है, यहाँ पे क्या है डेविटर स्ट्रेस है। अब बताओ, अब कोई डाउट, अब कोई दिक्कत, कोई समस्या बताओ। डायग्राम बनाए तो सारी कहानी और क्लियर हो जाएगी आपको। नोट करके डन कर दो जल्दी से, दो ही तो लाइन लिखनी है। चले बैक, कौन किसके बैक रह गए अभी भी हैं? अंशित ये लो, हो गया। चलिए अब आते हैं डायग्राम के ऊपर, देखिएगा ये सॉइल सैंपल है, हाँ सैचुरेट कंडीशन में ही होगा, ठीक है, जो पूछ रहे सैचुरेट कंडीशन में ही होगा। यहाँ पे पहले लग रहा था ऑल अराउंड कन्फाइनिंग प्रेशर, जिसे बोल रहे थे सेल प्रेशर, सेल प्रेशर और कन्फाइनिंग प्रेशर एक कैसे, क्योंकि ये क्या करता है सॉइल मास को कन्फाइन करने का काम करता है, क्या करता है सॉइल मास को कन्फाइन करने का काम करता है। तो ये क्या कर दिया था हमने, लेटरल प्रेशर को सिग्मा थ्री, यह जो सिग्मा थ्री था उसको कांस्टेंट कर दिया था। तो कांस्टेंट ही तो लग ही रहा है, ये डायग्राम तो क्या हो गया सर पहले वाला ही हो गया, सिग्मा थ्री या सिग्मा सी, ये सिग्मा थ्री और सिग्मा सी ये तो लग ही रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। पर हम क्या करते हैं एक्सियल स्ट्रेस बढ़ा देते हैं, एडिशनल स्ट्रेस, और वो भी कौन सा एक्सियल स्ट्रेस, ये हमने इनक्रीज कर दिया। ये क्या है आपका सिग्मा डी, इसे ही बोलते हैं डेविएटर स्ट्रेस। और कब तक बढ़ाएंगे, टिल दी फेलियर, जब तक कि सॉइल फेल ना हो जाए, जब तक सॉइल फेल ना हो जाए। तो अब ये क्या होगा, अब बड़े ध्यान से देखना, ये जो सिग्मा वन हो जाएगा वो सिग्मा डी प्लस सिग्मा थ्री हो जाएगा, या सिग्मा थ्री प्लस सिग्मा डी लिख दो जैसे मन करे। यहां पे सिग्मा वन क्या है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। सिग्मा थ्री अगर बात करें
तो ये क्या है, माइनर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेस। तो ये रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये माइनर है और ये आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है आपको, न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि बताइएगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, तो मेजर कौन सा, सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी हो गया मेजर। मेजर कौन सा ज्यादा होता है, तो इसमें एडिशनल करोगे सिग्मा डी, चाहे कितना भी करो दोनों को जोड़ोगे तो ज्यादा ही आएगा, तो उसको बोल दिया मेजर। और ये क्या हो गया आपका माइनर। और वहां पे भी अपने जब प्लेन बनाया था इसको बोला था मेजर प्लेन, इसको बोला था माइनर प्लेन, ठीक है। अब और देखिएगा, क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है कि डेविटर स्ट्रेस निकालना है आपको तो कैसे निकालोगे, तो सिग्मा डी अगर आपको निकालना है तो मेजर माइनस माइनर कर दो, बात तो वही है। मतलब इक्वेशन कौन सी रहेगी, इक्वेशन जो इंपॉर्टेंट रहेगी वो यही इक्वेशन है कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की इक्वेशन क्या होगी, सिग्मा 1 जो होता है वो सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी होगा, मतलब कन्फाइनिंग प्रेशर प्लस डेविटर स्ट्रेस। तो इसको पूछ लेते हैं किसके अंदर, स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं कई बार कि जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है इट इज द सम ऑफ द डेविटर स्ट्रेस प्लस कन्फाइनिंग स्ट्रेस। नहीं बेटा, रबर में हमने एक बार लगा दी, रिमूव करना ही नहीं उसको जब तक फेल ना हो जाए, ठीक है। इसके अंदर क्या स्टेटमेंट पूछेगा, डेविटर स्ट्रेस इट इज अ डिफरेंस बिटवीन मेजर स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछता था, न्यूमेरिकल भी आते हैं इनसे, तो यहां से जो है इनसे ये डायग्राम जो है इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है प्लस न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है आपसे, तो दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा, दोनों आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, ये रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं फॉर्मूले के ऊपर भी, और आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं। एक डायग्राम चल, क्लियर हुआ। तो इससे रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, फॉर्मूला ही पूछ सकता है बेटा, सॉइल मास ही फेल हो जाएगा, सॉइल मास ही फेल हो जाएगा। और किस तरह से फेल होगा कि सर आपने एडिशनल डेविटर स्ट्रेस बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, एक पॉइंट आ गया और ये सॉइल क्या हो गया, ये शेयर में फेल हो गया, तो ये फेलियर प्लेन हो गया, तो यहाँ से वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा सॉइल मास, अरे खिसक जाएगा ना, वो खिसकते ही क्या होगा, उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई, तो शेयर में फेल हो जाएगा। ये फेलियर प्लेन बनाए जो ब्लू वाली लाइन है, ये फेलियर प्लेन है आपकी। कर दो, ड्रॉ कर दो ताकि समझ में आ जाएगा कि शेयर स्टेज क्यों कहते हैं, शेयर में फेल हो रहा है, ठीक है, ये फेलियर प्लेन है। सेकंड स्टेज में सॉइल मास ड्राई रह जाता है ना सर, अरे ऐसा नहीं है बेटा, अगर ड्रेनेज अलाउड नहीं है तो ड्राई कैसा रहेगा, वो तो ड्रेनेज अलाउड है, सैचुरेटेड सॉइल मास का करते हैं ये। सिग्मा 1 किसका है, सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है बेटा, दोनों को जोड़ दोगे तो सिग्मा 1 बन जाएगा। बिमलेश, चलें आगे नेक्स्ट पे, या अभी भी कोई दिक्कत है तो पूछ लो, डायग्राम सामने है, स्टेजेस आपके सामने है, डाउट भी जो भी होगा सामने ही होगा। अब आता है एक क्वेश्चन एरिया करेक्शन पे, एरिया करेक्शन पे क्वेश्चन आता है, पर एक बार नोट करके डन तो करो फिर चलेंगे ना आगे। अब बैक नहीं करेंगे अपन, चले आगे, या किसी का रह गया, हाँ फेलियर प्लेन भी है, बिल्कुल फेलियर प्लेन तो होगा ही बेटा भाई, एक लोड आप बढ़ा रहे हो डेविटर स्ट्रेस एडिशनल लोड, कब तक बढ़ा रहे हो, तो जब तक कि सॉइल फेल ना हो जाए, तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ही आएगा जहां पे सॉइल फेल होगी, तो उसे ही बोल देते हैं फेलियर प्लेन, उसे क्या बोल देते हैं, फेलियर प्लेन कह देते हैं।
फिलियर प्लेन कैसा होगा बता रखा है बेटा, ब्लू वाली लाइन जो है फिलियर प्लेन बता रहा है। मेजर कौन है वहां लिख रखा है रेड पेन से, देखो सिग्मा वन इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा थ्री इज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। विश्वजीत प्रीटरमाइन नहीं होगा इसके अंदर, प्रीटरमाइन कैसे होगा जहां से सॉइल को फेल करना वहीं से सॉइल फेल करेगी, ठीक है। इसमें प्रीटरमाइन नहीं होता, प्रीटरमाइन उसमें होता है। अभी एक सॉइल सैंपल है, एक सॉइल सैंपल है, इस पर अपने लोड लगाया, ठीक है, इसको कन्फाइन नहीं कर रहा है कहीं अपने कुछ भी, अपने कोई मेटल का बॉक्स वगैरह नहीं, इस पर लोड लगा, इसका मन करेगा तो यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, चाहेगा तो यहाँ से टूटेगा। तो जो भी आपका फेलियर प्लेन होगा वो प्रीडिटरमाइन नहीं होगा, उसको जहाँ मन करेगा वहाँ से टूटेगा। तो प्रीडिटरमाइन फेलियर प्लेन इसमें नहीं होता है, वो तो किसमें होता है डायरेक्ट शियर टेस्ट में होता है, ठीक है। विमलेश चले आगे, और कोई डाउट, और कोई डाउट किसी को भी? चलिए तो फिर आते हैं अपन। नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है एरिया करेक्शन। इस पे आता है आपका न्यूमेरिकल, इस पे आता है आपका फॉर्मूला। एरिया करेक्शन एरिया करेक्शन एरिया करेक्शन का फॉर्मूला लिखिएगा। एरिया करेक्शन पहली बात तो होता क्या है, अरे देखना आप कि जब आपका सॉइल पे जब लोडिंग लग रही है और सॉइल हो रहा है फेल, सॉइल हो रहा है फेल, तो फेलियर पे जो एरिया होगा वो होगा एरिया करेक्शन। अपन निकालेंगे कि फेलियर पे क्या एरिया होगा, एरिया एट द फेलियर, एक्चुअल एरिया का कितना होगा, एरिया एट द फेलियर हो गया, ठीक है, उसकी बात आ रही है। तो यहां पे लिखिएगा एरिया करेक्शन कैपिटल ए इज इक्वल्स टू ए नॉट वन प्लस माइनस एप्सिलॉन वी अपॉन ए वन माइनस एप्सिलॉन एल। ये होता है पूरा फॉर्मूला एरिया करेक्शन का। ए इज इक्वल्स टू ए नॉट वन प्लस माइनस एप्सिलॉन वी और एप्सिलॉन एल। ये ए क्या है, करेक्टेड एरिया है ये, और ए नॉट इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया। करेक्टेड एरिया और ये इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। एप्सिलॉन वी और एप्सिलॉन एल सबने पढ़ रखा है, एप्सिलॉन वी और एप्सिलॉन एल कहां पढ़ रखा है, सोम में। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ये, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। स्ट्रेन है, और कोई डाउट, और तो कुछ बचा ही नहीं। फॉर्मूला जो होता है एरिया करेक्शन का वो क्या होगा, करेक्शन है बेटा, करेक्शन सी ओ डबल आर ई सी टी आई ओ एन। ए बराबर ए नॉट वन प्लस माइनस एप्सिलॉन वी डिवाइड बाय वन माइनस एप्सिलॉन एल। ये फॉर्मूला होता है एरिया करेक्शन का। पर सर बात क्या होती है, साक्षी बैक एक सेकेंड, बोल तो दिया है, जो पीछे छूट गया उसको जाने दो, आगे बढ़ जाओ, जब स्क्रीनशॉट आएगा तब और देख लेना। हो गया? हाँ विमलेश, देखो क्या कहने चाह रहे हैं कि जो एरिया करेक्शन जब फेलियर हुआ उस समय एरिया क्या था, जब फेलियर हुआ उस समय एरिया क्या था, तो ओरिजिनल एरिया कितना, उसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है कितना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्टेड एरिया हो जाएगा। डन, आ गई बात समझ में भाई? एरिया चेंज होगा ना, जब फेल होगा तो एरिया चेंज होगा, जब फेलियर होगा तो एरिया करेक्शन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, एरिया चेंज हो जाएगा। क्योंकि अपन क्या निकालोगे, अगर आप निकालोगे सिग्मा डी डिवाइडेड स्ट्रेस एट फेलियर, तो इसका होता है फोर्स अपॉन में एरिया, तो एरिया कौन सा आएगा, एरिया एट फेलियर आएगा। ठीक है, आ गया समझ में? प्लस माइनस कब लेंगे, डेंस और लूज वाली कंडीशन में, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जब कम होगा और रिलेटिव स्ट्रेन जब बढ़ेगा, वो किससे देखोगे, डेंस सॉइल है या लूज सॉइल है, ठीक है। अब आओ,
पर हमने सर ऐसा फॉर्मूला नहीं देखा, हमने जो अगर किसी ने क्वेश्चन किया हो तो उन्होंने कुछ फॉर्मूला अलग देखा होगा, और वो फॉर्मूला क्या देखा होगा वो मैं बताता हूं आपको अभी। देखिए, एक कंडीशन आती है कि जब ड्रेनेज परमिटेड नहीं है, एक कंडीशन लिख रहा हूं, व्हेन ड्रेनेज इज नॉट परमिटेड। अगर सर ड्रेनेज परमिटेड नहीं है, ये कंडीशन है कि कौन सी कंडीशन, कि जब हमें ड्रेनेज परमिटेड नहीं है मतलब अनड्रेन्ड कंडीशन है, यही तो हुई। क्या है ये? अनड्रेन्ड कंडीशन है, समझ में आ गया? क्या है ये? अनड्रेन्ड कंडीशन है। तो अनड्रेन्ड कंडीशन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन में वन माइनस एप्सिलॉन एल, ये वाला फॉर्मूला देखा होगा आपने, देखा है? इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। जब ड्रेनेज इज नॉट परमिटेड, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? जीरो होगा। भाई वॉल्यूम, वॉल्यूम तो लार्ज स्केल पे होगा ना, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो जीरो होगा, लॉन्ग टर्मल स्ट्रेन होगा पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो होगा, क्योंकि फेलियर होगा तो लॉन्ग टर्मल स्ट्रेन होगा पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो होगा जब ड्रेनेज परमिटेड नहीं है। तो ए नॉट अपॉन वन माइनस एप्सिलॉन एल, इस पे आता है न्यूमेरिकल, इस पे आता है ऑब्जेक्टिव, इस पे आएगा आपका ऑब्जेक्टिव, मतलब फॉर्मूला ही पूछता है, फॉर्मूले के बेसिस पे न्यूमेरिकल भी पूछता है और पूछा भी गया है। तो फॉर्मूला कहां से बनता है? वहीं से बनता है, ए इक्वल्स टू ए नॉट वन प्लस माइनस एप्सिलॉन बी अपॉन वन माइनस एप्सिलॉन एल से बनता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिएगा सभी, नोट करेगा। सुदीप, अरे यार ये तो पहले ही बता चुके हैं, जब ड्रेनेज परमिटेड नहीं होगा पानी नहीं निकलेगा, अगर पानी बाहर नहीं निकला इसका ना ड्रेनेज परमिटेड नहीं है तो वॉल्यूम कम कैसे होगा? अगर वॉल्यूम कम नहीं हुआ तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हुआ? सजीरा हुआ। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? जीरो हो जाएगा, ये तो पहले ही बता चुके हैं। अब लिखो एडवांटेजेस, अब लिखो एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट। ट्राइएक्सियल टेस्ट के एडवांटेज लिखने हैं हमें, वन बाय वन सारे एडवांटेज लिख देते हैं। सबसे पहले बात, तो जितने भी डिसएडवांटेज हैं किसके? शियर बॉक्स टेस्ट के, वो सारे के सारे एडवांटेज किसके हैं? ट्राइएक्सियल टेस्ट के। जितने भी डिसएडवांटेज है किसके? शियर बॉक्स टेस्ट के, वो सारे के सारे एडवांटेज है ट्राइएक्सियल टेस्ट के। जैसे सर पोर्टर प्रेशर मेजर नहीं कर सकते, पर इसे पोर्टर प्रेशर मेजर कर सकते हैं। सेकेंड, अगर इसके अंदर बात करें कि वॉल्यूम चेंज मेजर नहीं कर सकते, इसमें वॉल्यूम चेंज मेजर कर सकते हैं। ड्रेनेज कंडीशन पे कंट्रोल नहीं था, इसमें ड्रेनेज कंडीशन पे कंट्रोल है। प्रीडिटरमाइंड फेलियर प्लान था, प्रीडिटरमाइंड नहीं है। स्ट्रेस इसमें नॉन यूनिफॉर्म था, इस पर यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये सब चीजें आइएगा लिखे। पहला, फेलियर अकर्स अलोंग वीकेस्ट प्लेन, सबसे पहला ये पॉइंट, फेलियर अकर्स अलोंग वीकेस्ट प्लेन, वीकेस्ट प्लेन के अलोंग फेल होगा। फेलियर अकर्स अलोंग वीकेस्ट प्लेन विच इज नॉट प्रीडिटरमाइंड, जो कि पहले से पता नहीं होगा, विच इज नॉट प्रीडिटरमाइंड। विच इज नॉट प्रीडिटरमाइंड, जो कि पहले से पता नहीं होगा। आ गई बात समझ में? दूसरा लिखेगा, कंप्लीट कंट्रोल ओवर ड्रेनेज कंडीशन, इस पे कंप्लीट कंट्रोल होता है, कंप्लीट कंट्रोल ओवर
ड्रेनेज कंडीशन, क्योंकि वेल लगे होते हैं और वेल्स क्या करते हैं, हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, थर्ड पॉइंट, देर इज अ मैकेनिज्म टू मेजर, देर इज अ मैकेनिज्म टू मेजर पोर वाटर प्रेशर। इसमें मैकेनिज्म होता है पोर वाटर प्रेशर को मेजर करने का, ठीक है, उसमें नहीं होता है, इसमें होता है, तो उसका डिसएडवांटेज था, इसका क्या हो गया, वही एडवांटेज हो गया। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द फेलियर प्लेन, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द फेलियर प्लेन इज, उसमें नॉन यूनिफॉर्म, इसमें कैसा होगा, यूनिफॉर्म, इज यूनिफॉर्म, ठीक है। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द फेलियर प्लेन इज यूनिफॉर्म। फिर वॉल्यूम चेंज ऑल्सो बी मेजर्ड, फिफ्थ, वॉल्यूम चेंज ऑल्सो बी मेजर्ड, वॉल्यूम चेंज को भी मेजर कर सकते हैं। और आखिरी यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, ये तो पहले ही लिख दिया था, ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, बट ये भी क्या उसका एडवांटेज है, ठीक है। तो चीजें नोट करिएगा, ये सारे के सारे ट्राइएक्सियल टेस्ट के क्या हैं, एडवांटेजेस हैं। बच्चे अभी आरसीसी पढ़ रहे हो या किसी ने पढ़ी होगी तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। वहां पे भी तो लेते हैं 150x300 का सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन, जिसपे अपन क्या करते हैं, कंप्रेशन टेस्ट करते हैं, उसके अंदर रिजल्ट आ जाए वो मोर एक्यूरेट आएगा सिलेंडर में, पर जो क्यूब में है वो स्ट्रेंथ जो उसका रिजल्ट आता है वो ज्यादा आता है, पढ़ा था ना। ठीक है, बताया था सर ने 150x300 का सैंपल बनाएंगे, उस पर लोड लगाएंगे, कंप्रेसिव लोड लगाएंगे, तो वो सैंपल फेल करेगा। तो एक क्यूब लेते हैं और एक सिलेंडर लेते हैं, तो क्यूब का रिजल्ट जो होता है ज्यादा आता है, सिलेंडर का रिजल्ट कम आता है, क्यों ऐसा, बिल्कुल सिलेंड्रिकल अमेरिका में लेते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड पे क्यूब लेते हैं हम, रिजल्ट ज्यादा आता है तो क्यों आता है, नहीं नहीं उसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन की तो बात होती है, कि वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो होता है उसका, वो क्या होता है, वो पहले वाले में क्यूब में क्या होता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन, वो फ्रिक्शन जो होता है वो फ्री नहीं होता, वो इंटरलॉक हो जाते हैं, वो सेकंड वाले में सिलेंडर लेंथ लंबी, सिलेंडर होता है लेंथ लंबी होती है तो फ्री स्ट्रेस रहता है, तो जहां से टूटना है उसको वहीं से टूटेगा, तो वही इसी के कारण है, ठीक है। फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन रहता है, एक में फ्रिक्शन रहता है, ये बताया होगा, एक में फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन, एक में फ्रिक्शन रहता है। फ्रिक्शन किस में रहता है, क्यूब में, तो एक्चुअल स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रेंथ आती है, और सिलेंडर में एक्चुअल स्ट्रेंथ आती है, 1.25 टाइम्स आती है ना सिलेंडर के, याद आ गई चीजें। और सिलेंडर बाई क्यूब की अगर बात करें तो 0.8 टाइम्स होता है, तो वही कंसेप्ट इसमें है भाई। अगर ये सिलेंडर आप ले रहे हो, यहाँ पे जब अपन क्या लग रहा है, सिग्मा वन अपना लग रहा है, इस सिग्मा वन के लगने से यहाँ पे कोई भी कन्फाइनिंग नहीं है, कोई चीज़ इसको रेजिस्टेंस नहीं दे रही, तो ये फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन है, तो ये अपने से टूटेगा जहाँ से वो टूटना है, तो अपने जब टूटेगा तो स्ट्रेस कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, उसके अंदर नहीं रहता, ये बॉक्स जो होता है शेयर बॉक्स के अंदर इसमें नहीं रहता, क्योंकि इसमें जो सॉइल भरी हुई है इसमें क्या होगा कि वो हमेशा यहीं से टूटेगा, क्योंकि बॉक्स क्या है, दो पार्ट में बटा हुआ होता है, बॉक्स जो होता है दो पार्ट में बटा हुआ होता है, वीक कहीं से भी हो ये रेजिस्टेंस दे रहा है, ये जो एंड है रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए कुछ है नहीं, ये सिर्फ टॉप और बॉटम है, बाकी ये क्या है, ये पोर्शन जो है ये फ्री है,
ये फ्री है, कोई इस पर रेजिस्टेंस नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। इसलिए अब क्लियर हो गया, यहां पर रेजिस्टेंस मिल रहा था, इस पर रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा था, स्ट्रेस कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। चलिए अब आते हैं अपन टाइप्स ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट, टाइप्स ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट बेस्ड ऑन ड्रेनेज कंडीशन। टाइप्स ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट बेस्ड ऑन ड्रेनेज कंडीशन। अब ट्राइएक्सियल टेस्ट में सर कई सारे तरीके करने के, पहले में कभी बंद कर दो। अच्छा, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या होगा इसका, स्किल लेबर जरूरत है, कॉस्टली इक्विपमेंट होता है, ये वाली चीजें बस, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी है तो आप ही लिख लेना, ठीक है। डिसएडवांटेज कि स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट है, सिंपल नहीं होता, ठीक है, और एक इक्विपमेंट कॉस्टली होता है, ये सब चीजें हर कोई नहीं परफॉर्म कर सकता, स्किल लेबर चाहिए। अब आ जाओ हम बात करेंगे ट्राइएक्सियल टेस्ट इज बेस्ड ऑन ड्रेनेज कंडीशन, क्योंकि सर अब इसमें तो ड्रेन्ड अनड्रेन्ड, पहले स्टेप में भी ड्रेनेज अलाउड था नहीं भी अलाउड था, दूसरे में भी ड्रेनेज अलाउड है नहीं भी अलाउड है, तो सर इसमें कई सारी कंडीशंस बन सकती है। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिनके द्वारा हम ट्राइएक्सियल टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, तो कौन कौन सी कंडीशंस होती है उसको हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो लिखिएगा, तो लिखिएगा तीन कंडीशंस होती हैं, UU, CU और CD। कौन सी होती है, UU टेस्ट, CU टेस्ट, CD टेस्ट। UU, CU और CD। UU टेस्ट की अगर बात करें फुल फॉर्म क्या होती है बताइएगा, UU टेस्ट की फुल फॉर्म। अरे अमित यार गजब कर दिया आपने, ये दो चीज नहीं लिख पा रहे आप, डिसएडवांटेज इसमें क्या है, इट इज कॉस्टली, नॉट इजी टू परफॉर्म, येलो स्किल लेबर आर रिक्वायर्ड। इसमें क्या लिखना है यार, इतना तो अपने को पता होना चाहिए। बस इतना ही बाकी, बस हो गया। चलो आ जाओ, क्या थे अपन, यूयू पे थे। यूयू का फुल फॉर्म क्या होता है, कुछ बच्चों ने लिखा भी अनड्रेन्ड अनकन्फाइंड, अनकन्फाइंड अनड्रेन्ड, वेरी गुड निशांत, वेरी गुड, अनकन्फाइंड है ना, क्या लिखा है आपने, अनकन्फाइंड अनड्रेन्ड टेस्ट, बिल्कुल सही है। तो लिखिएगा अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, अनकन्फाइंड का मतलब लिख सकते हैं अनकंसोलिडेटेड, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट। ये लिखा किसी ने अनकंसोलिडेटेड, अनकन्फाइंड लिखा है, कन्फाइंड ये लिखा है। चलिए अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, सेकंड कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट, ड्रेन्ड टेस्ट और कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, यू है ना, अनड्रेन्ड टेस्ट और कंसोलिडेटेड
अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, ये तीन टेस्ट होते हैं, यूयू, सीयू एंड सीडी। चौथा टेस्ट कोई सा भी नहीं होता। अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट और कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। चलिए अब सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे कॉमन क्वेश्चन वो क्या होता है कि कौन सा टेस्ट जो होता है शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी के लिए होता है और कौन सा टेस्ट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने का होता है। सबसे पहला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन गलत होता है। या अपन सीधे एक स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे कि अगर आपसे पूछता है शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करना है तो शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी के लिए होता है यूयू टेस्ट। कौन सा होता है? यूयू टेस्ट। क्यों? क्योंकि तुरंत रिजल्ट दे देता है ये 5 से 10 मिनट में आपको रिजल्ट देता है, इसलिए बोलते हैं शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी को कैलकुलेट करें। और लॉन्ग टर्म के लिए बात करेंगे तो सीडी होगा, लॉन्ग टर्म के लिए बात करेंगे तो सीडी होगा। तो ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है जहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक ही क्वेश्चन को 10 बार भेजते हैं मेरे पास, उसका आंसर सीधा यही है कि यूयू टेस्ट की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी किसके लिए? टू चेक शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। चाहो तो यहां लिख लो, चाहे तो नोट में लिख लो। टू चेक शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। रीजन क्या है कि 5 से 10 मिनट में इसे परफॉर्म करते हैं। अभी और लिखवाएंगे इसके बारे में, ये तो एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। सीडी जो है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। तो शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी के यूयू टेस्ट और लॉन्ग टर्म के लिए सीडी टेस्ट। बिल्कुल वाटर के ड्रेनेज पे डिपेंड करता है, ये टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है और ड्रेनेज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ विश्वजीत कह रहे हैं ड्रेन्ड अनकंसोलिडेटेड परफॉर्म हो ही नहीं सकता। ठीक है, ड्रेनेज अगर आपने पहले परमिलेट कर दिया तो आगे अनकंसोलिडेशन कैसे होगा? अभी आप खुद समझ जाओगे। जो बोलते हैं कि सर डीयू टेस्ट भी होना चाहिए, कौन सा? यूडी टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट होना चाहिए। तो बता दूंगा अभी वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अभी जब आप इसके रीजन समझ जाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। नोट हो गया सभी का? जल्दी बताओ। तो इसमें दो चीज दिख रही है आपको हर जगह, यू यू, सी यू और सी डी। यहां पे जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट स्टेज को रिप्रेजेंट करती है और सेकंड टर्म सेकंड स्टेज को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे जितने में भी फर्स्ट टर्म है ये सारी ये फर्स्ट स्टेज को रिप्रेजेंट करती है और सेकंड टर्म जो है सेकंड स्टेज को रिप्रेजेंट करती है। अब सुनिएगा, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, ना तो पहले स्टेज में ड्रेनेज अलाउड है ना ही दूसरे स्टेज के अंदर ड्रेनेज अलाउड है। कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, पहले स्टेज में कंसोलिडेशन होगा है ना, ड्रेनेज अलाउड है, दूसरे के स्टेज में कंसोलिडेशन होगा और ड्रेनेज अलाउड नहीं है। पहले स्टेज में कंसोलिडेटेड ड्रेनेज अलाउड है, दूसरे स्टेज में ड्रेनेज अलाउड है, तो ये है आपका। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे नेक्स्ट के अंदर, टेस्ट यू यू, सी यू और सी डी
फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज. पहले स्टेज में अलाउड नहीं, दूसरे स्टेज में अलाउड नहीं, पहले में अलाउड दूसरे में नहीं अलाउड, पहले में भी अलाउड दूसरे में भी अलाउड. तो ये हुआ, बात आ गई समझ में. ऊपर लिखो चला ड्रेनेज इज परमिटेड, इज परमिटेड. फर्स्ट स्टेज में परमिटेड है, अनकंसिडर्ड नहीं. दूसरे स्टेज में भी है नहीं. फर्स्ट स्टेज में परमिटेड है बिल्कुल, सेकंड स्टेज में नहीं है. और तीसरे में, पहले में भी परमिटेड है, दूसरे में परमिटेड है. बेटा पहला अक्षर जो है इसका, दो वर्ड दिख रहे हैं आपको, यू यू सी यू और सी डी. पहला अक्षर पहली स्टेज को बताता है, दूसरा अक्षर दूसरी स्टेज को. तो पहला यू रिप्रेजेंट अनकंसोलिडेशन, तो पहले में वाटर का ड्रेनेज अलाउड है नहीं, दूसरे में स्टेप में यू अलाउड नहीं है, सेकंड के अंदर पहले में अलाउड है बिल्कुल, दूसरे में अलाउड नहीं, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड लिखा है लास्ट में, अनड्रेन्ड. पहले में अलाउड है बिल्कुल, सेकंड में लिखा ड्रेन्ड, तो अलाउड है दोनों में. कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, वाटर का निकलना, बात समझ आ रही है. ड्रेन्ड का मतलब होता है वाटर का निकलना. अब उसको पढ़ो एक बार फिर समझ में आएगा. कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, एक्सपल्जन ऑफ वाटर, वाटर का निकलना होता है. और ड्रेन कंडीशन का मतलब क्या होता है, या ड्रेन का मतलब क्या होता है, वाटर का निकलना. अब पढ़ो समझ में आएगा. अनकंसोलिडेटेड मतलब कंसोलिडेशन तो वाटर निकलना, अनकंसोलिडेटेड वाटर नहीं निकलना, तो पहले से वाटर नहीं निकलेगा. अनड्रेन्ड पानी नहीं निकल, ड्रेन का तो पानी निकलना, अनड्रेन का पानी नहीं निकलना, दूसरे स्टेज में पानी नहीं निकलेगा. ठीक है. कंसोलिडेशन सेकंड सी यू कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन हो रहा है मतलब वाटर निकल रहा है पहले स्टेज में. अनड्रेन्ड सी यू, यू से मतलब अनड्रेन्ड, अनड्रेन्ड में पानी नहीं निकलना, तो नहीं निकल रहा है. सी डी कंसोलिडेशन का मतलब वाटर निकलना, डी मतलब ड्रेन्ड, ड्रेन का मतलब वाटर निकलना. तो ये बन गया, यही तो लिखा है वहां पे. क्रॉस क्रॉस है ना. अब बताओ, अब कोई डाउट, अब कोई दिक्कत, ये क्लियर. कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, अरे तो पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर में, कंसोलिडेशन चैप्टर में, द एक्सपल्जन ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड्स ऑफ द सॉइल मास इज नोन एज कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन मतलब वाटर का निकलना, तो अनकंसोलिडेशन लिखा. यू का ना फुल फॉर्म क्या है, अनकंसोलिडेशन अनड्रेन टेस्ट. क्या है, अनकंसोलिडेशन अनड्रेन टेस्ट. तो वो तो अनकंसोलिडेटेड है मतलब वाटर नहीं निकल रहा, इसलिए क्रॉस लगा दिया. अनड्रेन वाटर नहीं निकल रहा, ड्रेनेज का मतलब वाटर निकलना, अनड्रेन का तो वाटर नहीं निकलना, तो वो भी क्रॉस लगा दिया. चलें, हो गया नोट आपको, ये डन, और ये टेबल, ये भी डन. अब आते हैं अपन एक एक टेस्ट को लेते हैं. लिखिएगा पहला टेस्ट, यू यू टेस्ट, फुल फॉर्म आपको पता ही है, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट. यू टेस्ट है, पहले लिखिए क्विक टेस्ट होता है, इट विल टेक 5 to 10 minutes. तो लिखिएगा क्विक टेस्ट. Completed in 5 to 10 minutes. कितना, 5 to 10 minutes के अंदर. Test water is not allowed to leave the soil mass, the soil sample. But test water जो है, in test, test water is not allowed to leave the soil sample. पानी इसमें निकलना अलाउ नहीं है, क्योंकि अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड है ना, तो पहली स्टेज में ना दूसरे स्टेज में. क्विक टेस्ट है, 5 to 10 minutes लगते हैं इसको. क्यों, क्योंकि सर ड्रेनेज नहीं है, ड्रेनेज होगा तो कंसोलिडेशन धीरे धीरे होता है, तो टाइम प्रोसेस फिनोमिना है, इंस्टेंटेनियस नहीं है, इंस्टेंटेनियस कॉम्पैक्शन होता है. तो ड्रेनेज अलाउ नहीं है तो तुरंत हो जाएगा टेस्ट, क्योंकि वॉल्यूम चेंज से जीरो हो गया. बातों को समझना ध्यान से बिल्कुल.
वॉल्यूम चेंज तो सर जीरो होगा क्योंकि वाटर का ड्रेनेज अलाउड नहीं है। कंसोलिडेशन तो क्या है सर, वाटर का ड्रेनेज अलाउड होता है तो उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लगता है इसको निकलने में, तो इसमें टाइम हमारे वाटर तो निकल नहीं है, टाइम क्या लगेगा, कम लेगा, इसलिए शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी के लिए, तो शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो टेस्ट वाटर इज नॉट अलाउड टू लीव द सॉइल सैंपल नाइदर ड्यूरिंग कंसोलिडेशन स्टेज नॉट शेयर स्टेज, neither during consolidation stage nor during shear stage मतलब ना तो पहले में ना दूसरे में, दोनों में, तो उसको consolidation stage भी कहते हैं। ठीक है, किसके लिए होगा? low permeable soil के लिए होगा, soil क्या होगा? ठीक है, नोट में लिख लेना, पॉइजन्स रेशियो कई बार पूछ लेते हैं कि निकाला कैसे जाएगा, तो यू म्यू निकालने का फॉर्मूला सिग्मा 1 सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। अगर पूछते हैं कि पॉइजन्स रेशियो निकालना ऑन द बेसिस ऑफ मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये फॉर्मूला था σ3 डिवाइडेड बाय σ1 प्लस σ3। ठीक है, सारी बात समझ में आ गई, क्विक टेस्ट है, 5 से 10 मिनट के अंदर होगा। टेस्ट वाटर जो वाटर जो अलाउड नहीं है पहला दूसरा स्टेज दोनों के अंदर, तो पानी अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो वो कंसोलिडेशन होता है, टाइम प्रोसेस है, तो इसलिए 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। लो परमेबल सॉइल के लिए वो जिससे पानी निकलना आसान नहीं है, और पॉइजन रेशियो अगर पूछता है σ1 σ3 से कैलकुलेट करना, σ3 डिवाइड बाय σ1 प्लस σ3। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, एग्जाम्पल भी लिख लो कि कहाँ परफॉर्म करते हैं, क्या बिल्डिंग कहाँ कंस्ट्रक्ट कर रखी होगी, सैचुरेटेड क्ले पे अगर बिजली को कंस्ट्रक्ट कर रखा है तो वहां पे अपन क्या करेंगे, यू टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑन सैचुरेटेड क्ले नहीं बेटा, 2 पॉइंट और लिख लो फिर चाहे छुट्टी, CU और CD टेस्ट के बारे में भी लिख लो भाई, बिना टेस्ट के तो फिर ये टॉपिक को आधा नहीं छोड़ना है अपने को, टॉपिक पूरा कंप्लीट करना है। समझ में आ गया? क्विक टेस्ट है, समय लगता है इसमें कम, अगर समय इसमें कम लग रहा है इसका मतलब क्या हो गया, ये शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी के लिए होता है। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे, CU टेस्ट नोट कर लिया सभी ने? तो सेकेंड टेस्ट जो है आपका CU टेस्ट, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। इसका मतलब क्या है कि टेस्ट वाटर इज अलाउड टू लीव इन द कंसोलिडेशन स्टेज बट नॉट इन द शेयर स्टेज। MU क्या था? MU जो था वो पॉइजन रेशियो होता है आपका, पॉइजन रेशियो होता है। ठीक है, यहां पे लिखेगा ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ During the first stage of confining pressure or cell pressure, इसको बोलते हैं, cell pressure, drainage is allowed. Consolidation है ना, consolidated undrained, पर दूसरे stage में drainage allowed नहीं है, but During deviator stage, drainage is not allowed.
तो पहले में अलाउ था, दूसरे में अलाउ नहीं, क्योंकि कंसोलिडेशन था, मतलब कंसोलिडेशन वाटर निकल रहा है, अनड्रेन नहीं निकल रहा था, पहले में अलाउड दूसरे में नहीं अलाउड। तो फर्स्ट स्टेज कंफाइनिंग प्रेशर ड्रेनेज इज अलाउड, बट डेविटर स्टेज ड्रेनेज इज नॉट अलाउड। तो वही जो अपन ने लगाया था टेक, राइट और रॉन्ग लगाया था, वो इसी को बता रहा है। थोड़ा सा बैक, थोड़ा सा बैक, ये लो। सारा बताएंगे, यूयू सीयू और सीडी तीनों टेस्ट बताएंगे आज, उसके बाद इसको क्लास को ओवर करेंगे। ब्लैक कॉटन सॉइल कौन से में होगी आप बताओ, ब्लैक कॉटन सॉइल कैसी है, फाइन ग्रेन सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल कैसी है, फाइन ग्रेन सॉइल है, चलिए हो गया। यूयू में आएगी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ हाँ आप क्या बोल रहे हैं, बताओ। डेविएशन ऑन स्टेज, डेविएशन नहीं बेटा, डेविएटर स्टेज है वो। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ कन्फाइनिंग प्रेशर सेल प्रेशर ड्रेनेज इज अलाउड, बट ड्यूरिंग डेविएटर स्टेज ड्रेनेज इज नॉट अलाउड। सेकेंड स्टेज डेविएटर स्टेज होती है ना, कितना लगता है समय, 2 to 3 weeks, इट टेक्स 2 to 3 weeks, 2 to 3 weeks लगते हैं इसको परफॉर्म होने के लिए। एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, कहाँ पे सीडी सीयू टेस्ट करते हैं, तो लिखिएगा स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ अर्थ डैम, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ अर्थ डैम ड्यूरिंग सडन ड्रॉडाउन कंडीशन, सडन ड्रॉडाउन का मतलब क्या होता है, एकदम से वाटर का जो लेवल है, वाटर टेबल वो कम हो जाना, सडन ड्रॉडाउन उसको कहते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ अर्थ डैम ड्यूरिंग सडन ड्रॉडाउन कंडीशन, ड्यूरिंग सडन ड्रॉडाउन कंडीशन। तो ये सीयू टेस्ट क्या करेंगे, जो सडन ड्रॉडाउन कंडीशन के अंदर पढ़े थे ऐसा क्वेश्चन। दो से तीन वीक लगते हैं, हो गया नोट सभी का। तो यहां से एग्जाम्पल ही पूछ सकते हैं कि स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ अर्थ डैम ड्यूरिंग सडन ड्रॉडाउन कंडीशन में कौन सा टेस्ट करेंगे, तो सीयू करेंगे। ठीक है, कौन सा टेस्ट करेंगे, सीयू करेंगे। अगर सैचुरेटेड क्ले पे अगर हमें बनाना है स्ट्रक्चर, तो कौन सा टेस्ट करेंगे, यूयू टेस्ट करेंगे। वॉइस आ तो रही है बेटा सुमित, वॉइस आ तो रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है ना। हाँ चलिए फिर आते हैं अपन सीडी टेस्ट के ऊपर। सीडी टेस्ट की बात करें तो सर दोनों ही स्टेज में ड्रेनेज अलाउड है, क्योंकि कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट। ठीक है, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट तो पहले में अलाउड है, दूसरे में भी अलाउड है। तो लिखिएगा ड्रेनेज इज परमिटेड इन बोथ, ड्रेनेज इज परमिटेड इन बोथ सेल प्रेशर प्रेशर स्टेज एंड डेविएटर स्टेज स्टेज सेल प्रेशर स्टेज और डेविएटर स्टेज दोनों के अंदर ड्रेनेज क्या होता है, परमिटेड होता है। नेक्स्ट लिखिएगा इट इज अ स्लो टेस्ट, सबसे स्लो होता है, इट इज अ स्लो टेस्ट। नेक्स्ट लिखिएगा जनरली यूज फॉर कोहेजन लेस सॉइल, जनरली यूज्ड फॉर
कोहेजन लेस सॉइल, भाई कोहेजन लेस सॉइल होगी तभी तो, मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल होगी तभी तो वाटर ड्रेन कर जाएगा दोनों स्टेज में, जनरली यूज फॉर कोहेजन लेस सॉइल। एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ रिटेनिंग वॉल किसके लिए यूज करते हैं, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ रिटेनिंग वॉल, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ रिटेनिंग वॉल के लिए सीडी टेस्ट करेंगे। दोनों के अंदर परमिटेड है, बोथ आइदर सेल प्रेशर स्टेज और डेविटर स्टेज, दोनों स्टेज के अंदर परमिटेड है। वो जो अपने टिक लगाए थे ना, वो राइट और रॉन्ग, वो इसी को बता रहे थे स्टेटमेंट को ही। स्लो टेस्ट होता है और कोहेजन लेस सॉइल के लिए होगा, क्योंकि ड्रेनेज परमिटेड किसमें होगा सर, कोहेजन सॉइल में। कोहेजिव सॉइल के अंदर तो क्या होगा, फाइन ग्रेन सॉइल होती तो ड्रेनेज परमिटेड नहीं होता है। रिटेनिंग वॉल में क्या होता है कि रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, तो जब पानी आता है तो उस पानी में कोर्स ग्रेन सॉइल होगी तो वो पास कर देगा, रिटेनिंग वॉल में प्रेशर लगाएगा, वॉल को तोड़ देगा वो, ठीक है। तो कोर्स ग्रेन सॉइल होगी तो वहां से सॉइल में से वाटर पास कर जाएगा। क्लियर हो सभी को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट। लीजिए हाँ, तो आज के लिए इतना ही, ओवर, हाँ बिल्कुल ओवर हो गया आज का सेशन। जिस स्टूडेंट्स ने स्क्रीनशॉट ले लिया है वो जा सकते हैं, गुड बाय। बाकी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 नेक्स्ट सेकंड, जो भी क्वेश्चन हो ग्रुप पे डालते रहो, सॉल्यूशन मिलता रहेगा, स्टूडेंट सॉल्यूशन दे देते हैं। ओके नमस्ते बाय, सॉल्यूशन मिल जाते हैं, नहीं मिले तो मुझे पिन कर देना उसी ग्रुप के अंदर ही, अलग से मत भेजना, आपके अभी भी अलग से भेज रहे हो वो थोड़ा दिक्कत वाला काम है, ठीक है उसी ग्रुप में डालो। अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लगता है, इतना तो शायद 6 महीने के आसपास लगता है, 3 से 6 महीने ऐसा कुछ है, बाकी और चेक कर लेना। कन्फाइंड का मीनिंग, दबा देना, सिंपल लैंग्वेज में दबा देना, किसी के अपन मोल्ड के अंदर मिट्टी भरते हैं उसको ऊपर से दबा देते हैं, उसको बोलते हैं कन्फाइंड, ठीक है अमित। 1 2 3 नेक्स्ट थर्ड, आप छुट्टी, जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। म्यू जो है बेटा यू टेस्ट के अंदर वो पॉइजन से होता है बेटा, म्यू का मतलब। 1 2 3 नेक्स्ट फोर्थ, म्यू का मतलब पॉइजन से होता है, पढ़ा था अपन ने लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसी के तो बोलते हैं पॉइजन से, उसमें अपन फॉर्मूला है σ3/σ1+σ3। अमित बता तो दिया आपको कन्फाइन का मतलब, पता चल गया ना, ठीक उत्पल, ओके गुड। 1 2 3 नेक्स्ट फिफ्थ, ओके अमित थैंक यू, और कोई डाउट पूछ लो आराम से। 1 2 3 नेक्स्ट सिक्स्थ, कोई भी डाउट हो पूछ लो अभी, जितना भी कोई भी क्लास में अभी कोई भी डाउट हो, कोई वर्ड ऐसा समझ नहीं आया हो। श्रीकांत ओके बाय। 1 2 3 नेक्स्ट सेवेंथ, 1 2 3 नेक्स्ट एट्थ, 1 2 3 नेक्स्ट नाइन्थ, 1 2 3 नेक्स्ट टेंथ, और ये लास्ट स्लाइड 1 2 3 ये आपकी लास्ट स्लाइड। तो मिलते हैं अपन, आज का सेशन हो गया ओवर, मिलते हैं आपसे कल, गुड बाय।